ओके जी, वी आर लाइव। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद कमरान है और मैं एक एसईओ स्पेशलिस्ट हूँ। राइट नाउ मैं वर्किंग कर रहा हूँ फॉर ई कॉमर्स ब्रांड रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस शॉपिफाई स्टोर्स हैं, जो शॉपिफाई पे ई कॉमर्स स्टोर्स के तौर पे वर्किंग कर रहे हैं। और आज का जो सेशन है, उस सेशन में हम लोग देखेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, किस तरह से हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज़ करके एग्जिस्टिंग स्टोर्स या एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स की एसईओ को देखते हैं और उनकी स्ट्रेटजीज को देखते हैं, और फिर उन स्ट्रेटजीज को देखने के बाद हम कैसे अपने लिए नई स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ठीक है, सो एक वो लर्नर जो एसईओ सीखना चाह रहा है और उसने बेसिक चीज़ें सीखनी है, उसको सर्च एनालिसिस, ऑन पेज फैक्टर्स क्या होते हैं और ऑन पेज चेकलिस्ट क्या है, किस तरह से आप एक ऑन पेज एसईओ कीवर्ड रिसर्च की बेसिक चीज़ें कर लेते हैं, उसको काफ़ी हद तक ना अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अब हमने किस तरीके से नेक्स्ट वे में चलना है। ओके, ये वन साइड ऑफ द गेम है। नेक्स्ट साइड क्या है आपके पास, कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसेस जो हैं उनको देखते हो, आपका जो भी कीवर्ड है, जिस भी कीवर्ड के लिए आप रैंक होना चाहते हो, उस कीवर्ड को आप गूगल में जाके देखते हो कि वहाँ पे टॉप स्पॉट्स पे कौन आ रहा है ऑलरेडी, और जो उन टॉप स्पॉट्स पे आ रहा है उसको आप देखते हो उसकी उसने क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की हुई है, वो किन कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है, वो उसकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसने कितने इंटरनल लिंक्स बनाए हुए हैं, किस स्ट्रेटजी के ऊपर उसने अपना कंटेंट लिखा हुआ है, और ये तमाम चीज़ें आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे। अच्छा भाई, जहाँ पे कोई इशू आया तो मुझे प्लीज़ आपने अपडेट कर देना। ऑल राइट, सो जस्ट अ मिनट, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। मैंने यहाँ पे चलिए, ठीक है, तो आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखनी होंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ बताइए कि आपने राइट नाउ कीवर्ड रिसर्च कर ली है, उसके बाद आपने उसमें ऑन पेज फैक्टर्स को देख लिया है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक्स ही कवर हो चुकी हैं। चलिए जी, ठीक है, तो हमारे पास डिटेल्स आ चुकी हैं कि कीवर्ड रिसर्च आपने देख ली है और ऑन पेज के फैक्टर्स आपने देख लिए हैं, उसके अलावा आपका जो आइडिया है, आप कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस फॉर एग्जांपल करने जा रहे हैं तो उसका क्या आइडिया होगा, उसकी रिसर्च आपने कैसे कर रही है, निश आपने ई कॉमर्स में कैसे फाइंड आउट कर रही है, आई एम होपफुल कि आपने ये तमाम चीज़ें बेसिक चीज़ें फाइनलाइज कर ली हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे साथ ही इसको करते हैं स्टे म्यूटेड, परफेक्ट, ओके। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है एसईएम रश के ऑन पेज एसईओ के जो चेक लिस्ट है हमारे पास, कि जो ऑन पेज होता है हमारे पास वो स्टार्ट कहाँ से होता है प्रोसेस, जब भी हम एसईओ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी कोई भी आपका पेज है, आइदर वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो कोई ब्लॉग पेज है, कोई एफिलिएट की वेबसाइट है तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक पेज, और उस पेज के कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, और उन फैक्टर्स को देख के गूगल डिसाइड करते हैं कि इस पेज को किस पर्टिकुलर कीवर्ड, एक कीवर्ड या एक से ज़्यादा कीवर्ड के लिए रैंक करना है, और किस तरीके से उसकी रैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। तो हमें अब ऑन पेज के फैक्टर्स का पता चल गया, तो यहाँ से साथ ही मैं एक न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर हम बेसिक जो फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट आउट कर देंगे। तो आज के सेशन में हम यूज़ करेंगे एसईएम रश टूल, ठीक है, और उसके अलावा हम उसके साथ स्क्रीमिंग फ्रॉग यूज़ करेंगे,
और स्क्रीमिंग फ्रॉड से हम देखेंगे कि किस तरीके से वेबसाइट के स्ट्रक्चर को हमने एनालाइज करना है, और एसईएम बेस्ट से हम देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स के साथ एक वेबसाइट रैंक हुई भी है और किस उसका एक पर्टिकुलर जो पेज है वो किस कीवर्ड के साथ रैंक हुआ हुआ है। साथ ही यहाँ पे मैंने अपने पास स्क्रीमिंग फ्रॉग ओपन कर लिया है, इसमें मैंने अभी कोई कोई वेबसाइट इसमें क्रॉल नहीं की है, नहीं भी नहीं लगा। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं, हम एक कीवर्ड चूज कर लेते हैं कि जी आज हमने किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम करना है। तो आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताइए कि हम किस कीवर्ड को आज एनालाइज करें। वो कीवर्ड आपका होना चाहिए ई कॉमर्स बेस्ड, ठीक है, जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो ई कॉमर्स बेस्ड आ रहे हो, स्कॉटिश स्किल्ड, ठीक है। मल्टीपल आइडियाज देते जाएं, स्कॉटिश स्किल्ड, स्कॉटिश स्किल्ड, पफर जैकेट, लेदर बेल्ट, ग्लव्स, नहीं अभी तक नहीं लगा, ये खराब ना हो इसका कन्वर्टर, वुडन ब्लॉक्स, जैकेट, ब्लैंकेट, ड्राइविंग ग्लव्स, ओके जी, ड्राइविंग ग्लव्स, ड्राइविंग ग्लव्स, बीजेजे, बेडशीट, सोलर प्लेट्स, पैराशूट पैड्स, ओके। आज हम यहाँ से कीवर्ड चूज करते हैं ड्राइविंग ग्लव्स। ले जी, हम एक कीवर्ड चूज कर लेते हैं ड्राइविंग ग्लव्स, और उस कीवर्ड की बेस के ऊपर हम अपना सारे का सारा जो एनालिसिस है वो अपना बिल्ड करेंगे। मीनवाइल हम यहाँ पे आते हैं गूगल पे आके ड्राइविंग ग्लव्स सर्च आउट कर लेते हैं, और इसको हम कीवर्ड है जी हमारा ट्रेनिंग लर्स। तो मेरा जो ये गूगल का है इंटरफेस, यहाँ पे मैंने सर्च लैब के थ्रू जो उसका SGE के रिजल्ट्स हैं वो मेरे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें जब भी हम ये कीवर्ड लिखेंगे तो एक चीज है, आपने शुरू में मेंशन किया कि आपने सर्फ एनालिसिस को अभी तक रीड आउट नहीं किया या उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। तो आज हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें सर्फ एनालिसिस करना बेस है, बल्कि मैं कहता हूँ कि राइट नाउ SEO की बेस है कि आप एग्जिस्टिंग रिजल्ट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी कीवर्ड को आपने रैंक करना है, किसी भी वेबसाइट को आपने रैंक करना है किसी निश के अंदर, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑलरेडी उस निश और उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं गूगल के अंदर, ये तमाम रिजल्ट्स, ठीक है, और ये तमाम रिजल्ट्स ये सर्फ रिजल्ट्स हैं, और इस एनालिसिस को जो एनालिसिस ये राइट हम इस पेज के ऊपर कर रहे हैं ये हमारा सर्फ एनालिसिस है। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है कि ये कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, क्या ये वेबसाइट्स हैं, क्या ये कोई लोकल वहाँ की कोई लोकल सिटी वेबसाइट्स हैं या ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, किस उसके ऊपर बनी हुई हैं, इनको कितने बैकलिंक्स आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपने गूगल पे रैंक करना है। तो आपको उसका जो आंसर है वो ऑन द पेज वन है, पेज वन पे आपको आंसर मिल जाएगा। टॉप थ्री, टॉप फाइव लिंक्स जो आप ये आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन्हीं रिजल्ट्स के अंदर आपके पास आंसर अवेलेबल है कि जी हम कैसे रैंक कर सकते हैं इन तमाम इन कीवर्ड्स के लिए। तो हमने सबसे पहले कीवर्ड चूज कर लिया ड्राइविंग ग्लव्स, उसके बाद हमने देखना है कि सर्फ इंटेंट क्या है, इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है, यानी कि जो बंदा इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो गूगल के पास ऑलरेडी बिलियंस का डाटा सेट अवेलेबल है जिधर से गूगल ये अंदाजा कर लेता है कि अगर किसी ने कीवर्ड ड्राइविंग ग्लव्स लिखा है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं वो हमें इमेजेस दिखा रहा है, इट मीन्स के लोगों को ड्राइविंग ग्लव्स चाहिए, आइदर वो बाइक के ड्राइविंग ग्लव्स हो सकते हैं, वो कार के ड्राइविंग ग्लव्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नीचे हमारे पास कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं जो कि अच्छा, मेरे पास कोई प्रॉक्सी या कोई VPN राइट नाउ ऑन नहीं है, इस वजह से मुझे लोकल रिजल्ट्स दिखा रहा है। सो यहाँ पे मैं कीवर्ड अपना थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मैं इसको NYC कर देता हूँ। अब इसने रिजल्ट्स थोड़े से चेंज कर दिए, अब मुझे ये जो रिजल्ट्स दिखाएगा ये न्यूयॉर्क के रिजल्ट्स दिखाएगा क्योंकि मैंने NYC कीवर्ड वहाँ पे दिखा दिया। तो मेरा कीवर्ड थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अब हम इस कीवर्ड के अगेंस्ट देख लेते हैं कि हमारा सर्फ एनालिसिस क्या है। सबसे टॉप पे हमें स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, इट मीन्स के लोग
गूगल को पैसे दे रहे हैं टू रैंक ऑन दिस कीवर्ड, इधर से लोगों को क्लिक मिले, और जब इस क्लिक इधर पे इधर क्लिक करेंगे लोग तो उनको सेल्स मिलेंगी। इट मींस के ये जो कीवर्ड है ये डायरेक्टली एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है जहां से लोग आके क्लिक करके चीज़ें परचेज करते हैं। दैट्स वाई ऑलरेडी वेबसाइट्स गूगल को पे कर रही हैं ताकि वो इस कीवर्ड के ऊपर एड्स रन करके टॉप पर आ सकें। तो हमारा मोटिव ये है कि हमने इन कीवर्ड्स की बेस के, अच्छा यहाँ नीचे हमारे पास अब लोकल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, यानी कि ये जो कीवर्ड हमने राइट नाउ ड्राइविंग क्लास NYC लोकेशन इसमें ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से जो लोकल रिजल्ट्स हैं गूगल मैप का जो पैक आ रहा है वो भी हमारे पास यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा है। लेकिन हमारी आज की जो क्लास की एक वो होगी कि हमने उन रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो वेब बेस्ड रिजल्ट्स हैं, कंसीडरिंग कि हमारा जो कीवर्ड है वो एक नेशनल कीवर्ड है। हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, अभी हमारे पास रिजल्ट्स भी शो हो रहे हैं, लग्जरी लेदर ग्लव्स बेल्ट एक्सेसरीज, ये एक फर्स्ट वेबसाइट आ रही है हमारे पास, इस वेबसाइट को हम नए टैब में ओपन कर लेंगे। एंड सेकंड जो हमारे पास आ रही है सर मोनिटा जो भी है ग्लव्स USA कनाडा, ओके फाइन। नेक्स्ट हमारे पास पीपल आल्सो आस्क के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद अगेन हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा जो कीवर्ड है उसके अगेंस्ट उसका सबसे पहले इंटेंट क्या था, कि कस्टमर जिस बंदे ने यहाँ पे आके कीवर्ड लिखा तो ये हमें सर्फ एनालिसिस से पता चल गया कि वो बंदा इस चीज़ को परचेज करना चाह रहा है, और मोस्टली चांसेस ये हैं कि वो कोई लोकल बंदा है जो न्यूयॉर्क में या NYC में बैठा हुआ है, वो इस वजह से यहाँ पे आके लोकली इस चीज़ को सर्च आउट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चीज़ पे जाते हैं, सर्फ एनालिसिस हमने कर लिया कि जी ये वेबसाइट्स हमारे पास टॉप पे आ रही हैं राइट नाउ, और ओके तो मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ। ये अभी तक ठीक है, तो जी हमारे पास अब ये तमाम के रिजल्ट्स हमने देख लिए। अब हमने देखना है कि हमारे ऑन पेज SEO के फैक्टर्स क्या क्या हैं, और इन वेबसाइट्स ने जो ऑलरेडी टॉप पे आ रही हैं इन्होंने इन तमाम फैक्टर्स को किस तरीके से फुलफिल किया हुआ है। ऑन पेज SEO के जो फैक्टर्स हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, और उसके मुताबिक फिर हम एक अपने लिए फाइंड आउट करेंगे कि हम क्या चीज़ इसमें से नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले वेबसाइट ये जो है हमारे पास बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम शॉप पे जाते हैं। ओके अब ये जो वेबसाइट है डेंस क्लब, ये इसका होम पेज जो है वो रैंक कर रहा है, क्योंकि ये एक माइक्रोनिश बेस्ड वेबसाइट है और इसका जो होम पेज है वही इसके लिए रैंक कर रहा है। सेकंड है हमारे पास जो सेकंड वेबसाइट आई थी सर मोनिटा क्लब्स, इसको हम यूरोप एंड वर्ल्ड वाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके तो दोनों वेबसाइट्स जो आ रही है हमारे पास वो दोनों वेबसाइट्स का होम पेज आ रहा है। अब यहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने जो लेदर ग्लव्स के लिए हमने रैंक करना है, ड्राइविंग ग्लव्स के लिए हमने जो रैंक करना है, या तो हम एक एग्जैक्ट मैच डोमेन ले लें, ठीक है, जो जिसमें ड्राइविंग ग्लव हमारा कीवर्ड आ रहा हो और उसको .us के साथ ले लें, तो हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कि हम सीधे सीधा अपना होम पेज इस मेन कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर लेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हमारी अगर फॉर एग्जांपल एक बड़ी वेबसाइट है जो लेदर एक्सेसरीज को या जनरल इसकी ड्राइविंग से रेलिवेंट या ग्लव्स से रेलिवेंट चीज़ों को हैंडल कर रही है या हम चीज़ें सेल कर रहे हैं, उस केस में हम हमारी कोशिश होगी कि हम एक कलेक्शन पेज अगर आप शॉपिफाई पे हैं या एक कैटेगरी पेज हम रैंक करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर केस में जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट मैच डोमेन अवेलेबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे UK US एंड कैनेडा, ओके स्मॉल ये जस्ट अ मिनट, मुझे अपना चार्जिंग प्लग चेंज करना पड़ेगा, सॉरी।
चलें जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे जस्ट अपना चेंज करना था चार्जिंग स्पॉट। तो हम ड्राइविंग क्लास के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। आपने देख लिया कि इस केस में हमारे पास जो राइट नाउ जो टॉप पे वेबसाइट्स आ रही हैं वो आ रही हैं उसके होम पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम भी इस केस में रैंक करना, अगर हमारे पास हम सिर्फ ड्राइविंग ग्लव्स सेल कर रहे हैं, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम एग्जैक्ट मैच डोमेन लेके उसके थ्रू जाके हम अपनी नेक्स्ट चीज़ें बिल्ड आउट करें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर मूव करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऑन पेज के फैक्टर्स क्या क्या अवेलेबल हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं ऑन पेज फैक्टर्स, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई सर्प का एनालिसिस आप कर रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आता है, सबसे पहले आपके पास आपका मेटा टाइटल है, उसके बाद आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद आपका URL है। सबसे पहले तीन चीज़ें जो कोई भी कस्टमर या कोई भी जो यूज़र है वो आपका यहाँ पे देख रहा होता है, और साथ ही इमेज आ रही होती है जो भी आपके उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के साथ आपकी एक इमेज है। ओके फाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद हम मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, URL, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो आप गूगल रिजल्ट्स के अंदर देख रहे हैं, ओके, हमने तीन चीज़ें चेक कर ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, जब हम किसी भी एक लैंडिंग पेज के अंदर आ जाते हैं, जब हम वेबसाइट पर आ चुके हैं, ठीक है, हम यहाँ पे मेन पे क्लिक करते हैं और ब्लैक, ठीक है। तो हम इसके एक मैन का जो मैन लेदर ग्लव्स वाला पेज है उस लैंडिंग पेज पर आ चुके हैं। तो हम अपना कीवर्ड थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको उस कीवर्ड के ऊपर ये तमाम एनालिसिस बिल्ड करके दूं जिस कीवर्ड पे हमारे पास कोई कलेक्शन पेज रैंक है, और उसकी क्या रीज़न है वो भी मैं आपके साथ एट द एंड ऑफ दिस सेशन एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारे पास मैन ग्लव्स आ जाता है, इसको हम यहाँ से उठा के चेंज कर लेते हैं, ट्रोलैक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना URL पेस्ट कर दिया, ओके। तो ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे इस एक्सटेंशन को आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ये डिटेल्ड SEO एक्सटेंशन के नाम से अवेलेबल है, और इस एक्सटेंशन को यूज़ करके आप ऑन पेज की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो वन गो में देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका टाइटल नज़र आ रहा है, और साथ ही इसकी आपको एक डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, और इसका URL यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो URL लगाया वो फिल्टर के साथ लगाया हुआ था जो इनका लिंक था, इस वजह से ये वाला URL आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जो इनका प्रॉपर URL है वो जो गूगल में इंडेक्स्ड है वो यही वाला URL है जो कि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो हम इसी URL को साथ यहीं से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम SEM रश में आ जाते हैं, और SEM रश में आने के बाद हम इसको यहाँ से चेक करते हैं। ओके, हम इस एग्जैक्ट URL को फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने एक कीवर्ड चूज किया, उस कीवर्ड की बेस पे हमने कंसीडर कर लिया कि जो हमने पेज चूज किया है वो एक टॉप लैंडिंग पेज है सर्प के अंदर। उस पेज को उठाया, उसको कॉपी किया हमने, उसको कॉपी करने के बाद हम साथ ही यहाँ पे SEM रश में आए, यहाँ आके हमने वो पेज पेस्ट कर दिया और एग्जैक्ट URL को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास इस पेज के ऊपर क्या ट्रैफिक आ रही है SEM रश के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये जो पेज है ये 71 कीवर्ड के साथ राइट नाउ रैंक्ड है, और ज़्यादा जो ट्रैफिक आ रही है इस पेज पे वो कनाडा से आ रही है, और उसके बाद अगर हम इसकी जो मोस्टली ट्रैफिक है ऑलमोस्ट 95% प्लस ट्रैफिक जो आ रही है इस पेज के ऊपर वो फ्रॉम कनाडा आ रही है। तो हम यहीं से इस पेज के कीवर्ड्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो एक तरीका आपके पास ये था कि आपने जो आपके पास कीवर्ड है, आप फॉर एग्जांपल मैन ग्लव्स या ड्राइविंग ग्लव्स सेल करना चाह रहे हैं, आपने उस कीवर्ड को जाके SEM रश में लिखा या किसी भी कीवर्ड टूल में लिखा, और उसके साथ रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर आपने कीवर्ड रिसर्च करना स्टार्ट कर दी।
और दूसरा तरीका ये है कि आपने ऑलरेडी कोई वेबसाइट उठाई, कोई भी एक पेज उठाया और देखा कि यार ये पर्टिकुलर ये एक पेज कितने कीवर्ड्स के साथ रैंक है और किस एरिया में है और किस उस किस किस पोजीशन में है। तो ये जो हमने कीवर्ड राइट नाउ हम जिसको चेक कर रहे हैं, इस कीवर्ड में इसके टोटल 71 कीवर्ड्स थे इस एक लैंडिंग पेज के। पूरी वेबसाइट की डोमेन की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक पेज की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास 44 कीवर्ड्स हैं जो कि कनाडा के लिए रैंक हुए हुए हैं और यूके और यूएस के लिए इनके थोड़े थोड़े से कीवर्ड्स थे। तो यहीं पे हम इस कीवर्ड को देख लेते हैं। अब जो लेदर ग्लव्स के साथ ये कीवर्ड है, ये सेकंड पोजीशन पे रैंक कर रहा है मैन लेदर ग्लव्स के साथ, मैन लेदर ग्लव्स, ग्लव्स फॉर मैन। और अब आपके पास एक वो एनालिसिस इसका बिल्ड हो जाएगा। इधर से आप इसको सिंपली कर लें एक्सपोर्ट सीएसवी। पोजीशन आ रही है और हमें इसकी प्रीवियस पोजीशन नहीं चाहिए, ठीक है। ओके राइट, तो इस पर यूआरएल है। बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। इसके मैंने क्या किया, इस एक पेज के कीवर्ड उठाए और उन कीवर्ड्स को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अब मुझे पता चल गया कि इनिशियली मेरा कीवर्ड क्या था, उस कीवर्ड के साथ पहला जो रिजल्ट आ रहा था उस रिजल्ट के अंदर उसका यूआरएल क्या है वो मैंने कॉपी कर लिया और उसको जाके मैंने अब एसईएम रश में देखा कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। हमारे पास लेदर ग्लव्स है, लेदर ग्लव्स फॉर मेन है और मेन पेज क्या है। अब हम साथ साथ उसको एनालाइज करेंगे तो हम इस पेज पे आ जाते हैं कि इस पेज का जो मेन वो टाइटल है वो है मैन लेदर ग्लव्स, यानी कि ये जो पेज है ये डायरेक्टली किस चीज को हैंडल कर रहा है, किस क्वेरी को हैंडल कर रहा है, वो मैन लेदर ग्लव्स को हैंडल कर रहा है। इनिशियली मैंने आपके साथ तीन चीजें डिस्कस की थी, जब हम सर्व के अंदर हैं आपके पास आपका मेटा टाइटल, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन, हम इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अच्छे ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई, इसको हम थोड़ा सा ना यूं कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं दोबारा अपने पेज के ऊपर और इधर से आने के बाद हम कॉपी करते हैं मेटा टाइटल को, सॉरी फाइन। तो हमारे पास मेटा टाइटल है मेंस लग्जरी लेदर ग्लव्स, ठीक है। और साथ ही अब हमने देखना है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है आपका ये लेदर ग्लव्स मैन, मेंस लेदर ग्लव्स, इनका ये सर्च वॉल्यूम है और ये आपके पास रिमेनिंग बाकी सारे कीवर्ड हैं जो कि आप देख रहे हैं पोजीशंस, पोजीशन 1, 2, 3 से लेकर फॉर एग्जांपल, हाँ मतलब कुछ कीवर्ड्स हैं इस पेज के जो कि रैंक कर रहे हैं अदर देन 10, लेकिन मोस्टली जो कीवर्ड्स हैं वो इन कैनेडा रैंक कर रहे हैं बिलो 5, 1, 2, 3 टॉप पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा वो स्वीट स्पॉट है, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हम मेंस लिख लेते हैं क्योंकि ये इस तरह से लिखा जाता है, फाइन। अब हमने देख लिया हमारे पास मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल और अब ये पेज किन किन कीवर्ड्स के साथ रैंक हुआ हुआ था गूगल के अंदर, वो भी हमारे पास सारी की सारी पोजीशन अवेलेबल है अभी यहाँ पे। ओके, अब हमने पेज के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि ये पेज एक कलेक्शन का पेज है, शॉपिफाई के ऊपर आई थिंक ये स्टोर बना होगा, बिल्कुल। तो ये एक शॉपिफाई बिल्ड स्टोर है और जो रैंक हो रहा है आपकी जो मेन चीज जो रैंक हो रही है वो एक कलेक्शन रैंक हो रही है और उस कलेक्शन के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोड मोर काफी सारी प्रोडक्ट्स इनकी अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जब हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और डे वन पे जब हम अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम जो उसके हेड कीवर्ड्स होते हैं या जो बड़े सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होते हैं उनकी हम डिफरेंट कैटेगरीज बना लेते हैं, कलेक्शंस बना लेते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट में ये डेंट्स ग्लव्स मेन वेबसाइट है, ग्लव्स के ऊपर है, ग्लव्स बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं, मैन ग्लव, वुमेन ग्लव, ब्लैक ग्लव, वाइट ग्लव, ठीक है।
मैन लेदर ग्लव, तो मैन लेदर ग्लव एक मेन टर्म थी, तो आपके पास मैन लेदर ग्लव और उससे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करने के लिए एक कलेक्शन बहुत है, और वो एक कलेक्शन यहाँ इन्होंने बना दी है। हम आप करते हैं, आपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, चले थैंक यू। अब आ रही है आवाज? परफेक्ट, ओके, ठीक है, चले। तो हमने सर्प एनालिसिस, सर्प की हद तक हमने चीज देख ली अपनी, सर्प से, सर्प के बाद हम आ चुके हैं अपने पेज के ऊपर आ चुके हैं। अब हमने पेज लेवल पे आके चीजें देखनी है अपनी। तो पेज लेवल पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले आपकी H1 हेडिंग है, कोई भी पेज है आपके पास H1 हेडिंग, आपको चार चीज़ें अगर आपकी अलाइन हो जाए ना, आपका आपका जो URL है उसमें आपका कीवर्ड आ जाए, आपका मेटा टाइटल, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन और आपका H1 हेडिंग, ये चार चीज़ें गूगल को एक डायरेक्ट सिग्नल दे रही होती हैं कि भाई ये जो पेज है इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, ये जो पेज हमने ओपन किया हुआ है ये बात कर रहा है मैन लेदर ग्लव्स के टॉपिक के ऊपर। तो हमने सबसे पहले इसका H1 देख लेना है और साथ ही हम इसको कॉपी भी कर लेते हैं, कॉपी Ctrl+X और H1 ये हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और कंटेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत कंटेंट अवेलेबल है, कॉपी। तो अब हमारे पास क्या, उसका H1 भी आ चुका है कि उसकी H1 हेडिंग क्या थी और साथ ही उसका नेक्स्ट चीज आ चुकी है कि उसका कंटेंट क्या है। यहाँ पे अब आपने एक चीज देखनी है कि हमारा जो कीवर्ड था वो था लेदर ग्लव्स और उसके साथ लेदर ग्लव्स मैन, जो ये पेज जो रैंक हुआ वेज इंजिन कीवर्ड्स के लिए, वो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं आपके पास, मैन लेदर ग्लव्स, लेदर ग्लव्स फॉर मैन, ठीक है, लेकिन आप इसका सिर्फ जो पेज का मेटा टाइटल है वो देखें, मैन लग्जरी लेदर ग्लव्स, उसने पेज टाइटल के ऊपर सिर्फ एक कीवर्ड टारगेट किया हुआ है मैन लेदर ग्लव्स, और उसमें भी उसने एक जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, फॉर एग्जांपल हमने अगर मैन लेदर ग्लव्स के लिए रैंक करना है तो ये कीवर्ड हम साथ साथ हर जगह साथ साथ लिखे, मैन लेदर ग्लव्स, मैन लेदर ग्लव्स या लेदर ग्लव फॉर मैन, बस ये चीज अब हम पकड़ लेते हैं और ये चीज पकड़ के हम पूरे पेज के ऊपर एज इट इज छापने की कोशिश करते हैं। हम कॉन्टेंट के अंदर भी वही चीज लिख रहे हैं, हम हेडिंग वही लिख रहे हैं, तो हमने अपनी चीज को थोड़ा सा यूनिक बनाना है। फॉर एग्जांपल उसने बीच में लग्जरी का वर्ड डाल दिया जो कि थोड़ा सा आई कैचिंग वर्ड है, यूजर को अट्रैक्ट करता है क्लिक करने के लिए। उसके बाद आप इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा एनालाइज करें कि आपके पास यहाँ पे उसने अगेन लग्जरी मेंस ग्लव्स लिख दिया, ठीक है, और आगे उसने ब्रांड नेम अपना मेंशन कर दिया, साथ ही फिर आपके पास आ जाता है मैन ग्लव्स, सिंपल उसने जो URL के अंदर चीज को टारगेट किया हुआ है। नेक्स्ट उसके पास आ जाते हैं उसकी पेज की H1 की जो हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर आपको डायरेक्टली नजर आ रहा है कि उसने मैन लेदर ग्लव्स डायरेक्टली टारगेट किया हुआ है, और उसके साथ ही हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके,
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आपका जो पेज का कंटेंट इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये मैं आपको आप समझाना यहाँ से यही चाह रहा हूँ कि आपके पास जो कीवर्ड्स थे उन कीवर्ड्स को आपने किस तरीके से अपने पेज को पेज के ऊपर ऐड करना है, ताकि आप वो कीवर्ड स्टफिंग वाला काम भी ना करें कि जोड़ जोड़ के आपने सारे कीवर्ड लिखने हैं और एक जगह बात आप लेदर ग्लव से स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ही फिर लेदर ग्लव आर वेरी गुड फॉर मैन लेदर ग्लव एंड लेदर ग्लव आर फॉर सेल फॉर लेदर वेरी बेस्ट लेदर ग्लव, इस तरह की स्टेटमेंट्स जब हम लिखते हैं तो ये अगेन गूगल अब इतना समझदार हो चुका है कि पहले तो वो कीवर्ड स्टफिंग वाली बातें होती हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अब हम जब इस तरह के टैक्टिक्स भी करते हैं तो वो भी एक शेडी टैक्टिक्स के तौर पर नजर आते हैं। तो हमने इस तरह से एक पेज को अंडरस्टैंड करना है कि एक पेज बना हुआ किस तरह से है, उसके ऊपर कितनी आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या क्या आ रही है, ठीक है, और उसके साथ उन प्रोडक्ट्स के नाम क्या क्या रखे गए हैं और आपकी जो कलेक्शन है वो कितनी लेंथ की आ रही है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम एंड में देखें तो इस पेज में इस वेबसाइट ने क्या किया है, कोई डिस्क्रिप्शन मजीद एड यहाँ पे नहीं की हुई है। तो अगर मैं इस पेज को फॉर एग्जांपल डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इंटरनल लिंकिंग कर सकता हूँ जो कि राइट नाउ इस वेबसाइट के अंदर मिसिंग चल रही है ये चीज़, ठीक है। सो हम टॉप पे आते हैं दोबारा से और वापस अपनी शीट के अंदर चले जाते हैं। तो हमारे पास कॉन्टेंट वाली चीज़ भी हो गई और अगर हमने यहाँ पे इसके बॉटम पे चले जाएं तो हम इसके अंदर H2 हेडिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं और उन H2 हेडिंग्स के साथ फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे हम अपना कीवर्ड चेंज करते हैं मैन लेदर ग्लव्स, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो हम खुद से कुछ क्वेश्चंस वगैरह बनाकर जो मैन लेदर ग्लव्स से रेलिवेंट हैं उनको ऐड अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैन लेदर ग्लव्स है तो यहाँ टॉप पे जो गूगल ने अपना सर्च रिजल्ट जो एआई के थ्रू गूगल एक्सपेरिमेंट्स SGE के राइट नाउ जो कर रहा है उसके साथ जो यहाँ पे चीज़ें मैंशन हुई हैं कि वहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है कि हमारी जो इस पेज के लिए स्पेसिफिक हो वो हम इस पेज के बॉटम पे जाके लिख सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट पेजेस के साथ इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक चीज़ अब अंडरस्टैंड कर ली कि हमारे पास मेटा टाइटल क्या था, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या थी, पेज का URL क्या था, उसका H1 टाइटल क्या है और उस पेज का कंटेंट किस तरीके से लिखा हुआ है, कितना छोटा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट दो लाइन्स लिखी हुई है। एक गलती जो हम ई कॉमर्स ब्रांड्स कर रहे होते हैं वो ये होती है कि जब आप किसी भी पेज को एनालाइज करो, फॉर एग्जाम्पल हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसका व्यू जो है वो हम मोबाइल वाला कर लेते हैं। अब आप टॉप पर आएँ तो ये देख रहे हैं रीड मोर का उसने ऑप्शन कर दिया है, यानी कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ्स ऑफ डिस्क्रिप्शन नहीं लिख देने टॉप के ऊपर, आपने हमेशा अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो 2 से 3 लाइन की बड़ी शॉर्ट सी आपकी डिस्क्रिप्शन हो जो कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बेनिफिट्स को थोड़ा सा शो कर रही हो और थोड़ी सी उनकी क्वालिटी के बारे में बात कर रही हो, लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन आपने नहीं लिखनी। आप देखेंगे यहाँ पे मैन लेदर ग्लव्स आपकी हेडिंग है और साथ ही आपकी प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाती है, तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ दोबारा टॉप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम डेस्कटॉप व्यू में भी जा रहे हैं तो यहाँ पे जब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास सिंपली शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है, ओके SCOTTIS स्कॉटिश गिल्ड, ये भी एक कीवर्ड हमारा बड़ा फेवरेट पसंदीदा कीवर्ड था किसी ज़माने में, तो इसको भी हम साथ साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपके साथ ना कुछ वेबसाइट्स जो इस तरह की चीज़ कर रही होती हैं उनको आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फाइन। ओके, साथ ही हम वापस आते हैं अपने इस पेज के ऊपर। तो आपने देख लिया कि जो पेज का कॉन्टेंट है उसको आपने किस तरीके से एनालाइज करना है, तो ये आपका सिर्फ अभी राइट नाउ हम ना एक पेज को एनालाइज कर रहे हैं। आपके पेज की यहाँ पे इमेज है बैकग्राउंड पे, अगर ये बंदा कोई इमेज लगा लेता उस इमेज को हम यूज कर सकते थे उसकी इमेज के alt टैग को, तो एक चीज आप यहाँ पे मेंशन कर दें alt टैग। alt टैग में आपकी वो वाला कीवर्ड आ रहा हो, ठीक है, उसके बाद आपके पास इसको आप मेंशन कर दें बॉटम कॉन्टेंट के तौर पर आप लिखते हैं इंटरनल लिंकिंग
आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। इंडेक्सेशन लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। पेज स्पीड फाइन। अब ये जितनी चीजें यहाँ पे मैं आपके साथ मेंशन कर रहा हूँ, ये तमाम की तमाम ऑन पेज के आप फैक्टर्स कह रहे हैं या ऑन पेज की आप एक चेकलिस्ट कह रहे हैं। तो ऑल टैग इस वेबसाइट ने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगाया, वो कोई यहाँ पे इमेज कोई ऐड नहीं किया हुआ। तो अगर हम यहाँ पे एक इमेज ऐड कर लें, तो अब हम वेबसाइट को कंपेरिजन करते हैं कि हम एक वेबसाइट एक पेज हम बिल्ड कर रहे हैं, उस पेज के हमें फैक्टर्स देखते जा रहे हैं, किसने मेटा टाइटल में क्या चीज़ लिखी है, यूआरएल में, H1 हेडिंग में तमाम चीज़ें लिखी हैं, इसने ऑल टैग नहीं लगाया, हम ऑल टैग इमेज लगा के उसके साथ इमेज ऑल टैग लगा सकते हैं। हमें यहाँ से +1 नंबर एक और मिल गया। साथ ही हमने यहाँ पे देखा कि इसने एक छोटी सी दो लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखी है, बहुत अच्छी बात है, इसने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। हम बॉटम ऑफ द पेज पे जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, डिटेल से अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और वहाँ से हम इंटरनल लिंक्स लगा सकते हैं। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज हमें डायरेक्टली नजर आ रही है। हमने सिर्फ एक ही वेबसाइट राइट नाउ अभी तक विजिट की है और उस वेबसाइट में हमें ये चीज़ नजर आ रही है। अच्छा, इसके साथ ही हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इसके आगे मैं सिंपली एक डैश लगा देता हूँ उसके साथ भी, क्योंकि इस वेबसाइट ने डायरेक्टली ये चीज़ की नहीं है, ठीक है। तो ओके फाइन, नेक्स्ट चीज़ है इंडेक्सेशन। ये आपका थोड़ा सा वो हो जाता है, टेक्निकल एंड हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पेज हम देख रहे हैं ये गूगल में इंडेक्स था तो हमें नज़र आया। इट मीन्स के बेसिक सी चीज़ है, आपका भी पेज जो है वो इंडेक्स होना चाहिए, उसका जो रोबोट्स TXT है और जो आपका साइट मैप है वो तमाम चीज़ें आपकी फाइल की वेबसाइट की ओके होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक सिंपल सी डैश लगा देता हूँ। उसके साथ ही आपने पेज स्पीड को एनालाइज करना है कि आपकी जो एक निश, मेरे ख्याल से जो मेरा एनालिसिस अभी तक बिल्ड हुआ है, जब आप एक निश में हैं, फॉर एग्जांपल लेदर ग्लव्स के अंदर, तो लेदर ग्लव्स में जो आप टॉप पे साइट्स आ रही हैं उनकी एक एवरेज स्पीड होगी उन तमाम वेबसाइट्स की, जो टॉप 10 रिजल्ट्स हैं जब आप उनको DT मैट्रिक्स में या पेज स्पीड इन साइट्स में जाके चेक कर रहे होंगे, तो आपको एक स्पीड नज़र आएगी कि अच्छा ये वेबसाइट है, इसका कोर वेब वाइटल्स पास है, इसका फेल है, इस तरह से चल रहा है। लेकिन जब आप उस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको एक स्पीड, उसका एक एक्सपीरियंस फील होगा उस स्पीड का। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो भी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, आपकी जो पेजेस हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हों, वेल ऑप्टिमाइज्ड हों स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप शॉपिफाई पे हैं तो फिर तो उसमें बहुत सारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको जो शॉपिफाई के सिंपल से फीचर्स हैं, आपने एक्स्ट्रा कोड्स जो है वो रिमूव करवा देने हैं, और जो इमेजेस हैं उनकी आपने रेजोल्यूशन और उसकी साइजेज आपने कम रखने हैं, ताकि आपकी जो स्पीड वगैरह के जो इश्यूज हैं वो चीज़ें डायरेक्टली आपको इफेक्ट ना कर रही हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है एंटिटी, उसका स्कीमा का, ठीक है, कि हम पेज का जो स्कीमा है वो वहाँ पे किस तरीके से है। अब जैसे ये हमारा जो पेज था, यहीं से हम इसको ओपन कर लेते हैं, कॉपी रिच रिजल्ट्स। तो ये गूगल का ही टूल है हमारे पास अवेलेबल, और इस टूल के थ्रू हम देखते हैं कि गूगल इस पेज को स्कीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से या किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है। तो हम साथ ही इसको यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम, ऑलराइट, ओके अच्छा, अब इस पेज को अगर हम देखें तो इन्होंने इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा है वो इस पेज के ऊपर ऐड हुआ है। तो यहाँ पे स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि स्कीमा एग्जैक्टली होता क्या है। तो आपका इसको आसान अल्फाज में समझते हैं, ये आपके पास एक लैंडिंग पेज है, एक पेज है मैन लेदर ग्लव्स का, मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, और मुझे ये इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आ रही है, पेज सारा नज़र आ रहा है, ओके गुड परफेक्ट है यहाँ तक। लेकिन जब गूगल आएगा और गूगल आके इस पेज को अंडरस्टैंड करेगा, गूगल का बॉट, तो उसके पास
हम उसको दो ऑप्शंस देंगे। नंबर वन, एक तो जो गूगल का एक एल्गोरिदम है जिसको हम लोग नेचुरल लैंग्वेज NLP कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो बॉट आएगा और वो बॉट आके इस पेज को अंडरस्टैंड करेगा और एनालाइज करेगा कि यार ये पेज किस चीज के बारे में है और उस उधर से एनालिसिस कर लेगा। फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम गूगल को एक ईजी वे में बताएं इस पेज के बारे में कि हमारा हमारी वेबसाइट का ये पेज इस पर्टिकुलर चीज के बारे में है, इस टॉपिक पे है या इस तरह इस चीज को हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इसके ये जो चीज होती है ये हम गूगल को बताते हैं थ्रू अ कोड, और उस कोड को हम कहते हैं स्कीमा कोड, समटाइम्स कह देते हैं, समटाइम्स हम उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा कह देते हैं, डिफरेंट इसके नाम आ जाते हैं। तो गूगल की तरफ से हमारे पास एक टूल अवेलेबल है रिच रिजल्ट टेस्टिंग, और इसके अंदर आके हम एक वेबसाइट कोई भी वेबसाइट का पेज ऐड कर देते हैं और वो हमें बता देता है कि इस पेज के ऊपर कौन कौन सा स्कीमा राइट नाउ एक्टिव हुआ हुआ है या शो हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपने वेबसाइट्स को एनालाइज करना है इनिशियली, तो आपने ये भी चेक करना है कि आपके जो कंपेटिटर्स टॉप पे रैंक कर रहे हैं वो कौन कौन सा स्कीमा उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब जैसे अब ये वेबसाइट है, इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्कीमा लगाया हुआ है, जबकि आपका जो पेज है वो है एक कलेक्शन पेज है, और यहाँ पे इनके ये ब्रेड क्रम्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे होम पेज है, देन कलेक्शंस है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैन लेदर ग्लव्स है, आपकी जो ये जिस कैटेगरी में राइट नाउ स्टैंड कर रहे हैं। इस चीज़ को ब्रेड क्रम्स स्कीमा के तौर पे हम जानते हैं, जब हम ये ब्रेड ये स्कीमा जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने इस पर्टिकुलर पेज के लिए, तो एक स्कीमा यहाँ पे इनका मिसिंग आ रहा है। तो जो रिच रिजल्ट ये जो स्कीमा होता है या जो स्ट्रक्चर डाटा होता है, जब हम ये पेज पे इंप्लीमेंट कर देते हैं तो गूगल उस पेज को ना बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ये भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। हम वापस अपनी शीट के अंदर आते हैं और स्कीमा या SD मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर डाटा के नाम से, ठीक है। और इसके आगे भी मैं एक डैश लगा देता हूँ, यानी कि इन्होंने जो स्ट्रक्चर डाटा वाला पार्ट है वो इनका स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो गूगल के पास अब इतना डाटा अवेलेबल है कि गूगल को आइडिया हो जाता है कि उसके पास एक पेज जो है वो किस किस तरीके से वो है, किस किस चीज़ को सेल कर रहा है अगर वो एक पेज है, और वहाँ पे आपकी आइडिया क्या चीज़ें होनी भी चाहिए। तो अगर हम भी गूगल को बता देंगे कि भाई हमारा भी जो पेज है ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो गूगल के लिए बड़ी एक ईजी अंडरस्टैंडिंग वे में हम उसको समझा सकेंगे, और हमारे लिए भी अगेन वो रिवार्डिंग होगी चीज़ कि गूगल को कम रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे हमारा पेज अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहाँ तक हो गया क्लियर आप लोगों को, आई होप। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे चैट सेक्शन में और थोड़ा सा आपसे इनपुट ले लेते हैं कि अब ये जितनी भी चीज़ हमने की, हमने सबसे पहले समराइज कर लेता हूँ। एक कीवर्ड लिया, उस कीवर्ड को आके आपने गूगल में एंटर किया, आपने सर्च को एनालाइज किया कि ऑलरेडी रिजल्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं, टॉप पे वेबसाइट्स कौन कौन सी आ रही हैं। फिर आप पहले आपने उस पेज को गूगल लेवल पे चीज़ें देखी, गूगल लेवल पे आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसका URL आ रहा है, इमेज भी आता है, चार चीज़ें URL आ रहा है आपके पास उसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद आप पेज पे चले गए, पेज पे आपको उस पेज का ओवरऑल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, आपको उसका हेडिंग स्ट्रक्चर, H1 हेडिंग इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसमें क्या टारगेट किया हुआ है, पेज के कॉन्टेंट में क्या मैंशन किया हुआ है, और उसके साथ साथ आप जब नीचे आए इन्होंने प्रोडक्ट्स तमाम की तमाम मेंशन की हुई है, अच्छे इन्होंने इमेज भी लगाया हुआ है टॉप पे, फीचर्ड इमेज आप कह लो, उसका इन्होंने ऑल टैग रखा है नहीं रखा। नीचे आए पेज के बॉटम पे डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत ऐड करने की गुंजाइश अवेलेबल होती है, इन्होंने ऐड की है नहीं की, और इंटरनल लिंकिंग इन्होंने कितनी की है इस वेबसाइट ने ऑलरेडी। तो इस तरीके से आपने एक पूरे पेज को अंडरस्टैंड कर लिया, और लास्ट में आपने ये देख लिया कि वो पर्टिकुलर पेज स्कीमा कितना टारगेट कर रहा है, कितना स्कीमा उसका डिस्प्ले हो रहा है, उन्होंने कितना स्ट्रक्चर डाटा को इस्तेमाल किया हुआ है गूगल को समझाने के लिए भाई हमारी जो ये वेबसाइट है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात कर रही है। ओके फाइन, तो रिपीट तो मैंने कर दिया कि राइट नाउ अभी तक हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली है, बिल्कुल ठीक है। सो उसके बाद हम यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं साथ ही। ओके row.plus साथ ही मैं चाह रहा था कि आपको ना स्ट्रीमिंग फ्रॉग में एक वेबसाइट इंटर करके ठीक है
साथ ही हम जाते हैं यहाँ पे और वेबसाइट को पकड़ लेते हैं। ऑलराइट 1% ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने जब भी इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं वेबसाइट्स को, देख रहे हैं कि यार टॉप पे कौन कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं, तो हम साथ ही एक उस वेबसाइट को स्क्रीमिंग फ्रॉग में डाल के चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्री वर्जन अवेलेबल है तो आप उसमें 500 URL तक की वेबसाइट को ईजिली चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास पेड है तो फिर तो इशू ही कोई नहीं, फिर तो आप इजी सी ले आपके पास। अच्छा, साथ ही यहाँ से हम जाते हैं चैट सेक्शन में और आपके किस पे लगा के बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, चलो परफेक्ट है। ओके, तो स्क्रीमिंग फ्रॉड से ना आपने एनालाइज करना है कि जो वेबसाइट आप आपके पास है उसका स्ट्रक्चर किस तरह किस तरीके का है। अगर आप शॉपिफाई स्टोर है उसका तो बड़ा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, आपके पास होम पेज है, 5 चीज़ें हैं शॉपिफाई स्टोर के अंदर, होम पेज है, उसके बाद कलेक्शन पेज है, 3rd पे प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, 4th पे ब्लॉग्स ब्लॉग पेजेस आ जाते हैं, 5th पे आपके पास हैं जो प्राइवेसी और अबाउट जो ब्रांड के पेजेस आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, जो उसके फुटर सेक्शन में अवेलेबल होते हैं, रिटर्न पॉलिसी क्या है, शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये तमाम चीज़ें तो ये आपके पास आ जाती हैं। तो हमने ये देखना है कि कोई भी वेबसाइट उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है और किस तरीके से उसने अपने कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ से हम आते हैं नेक्स्ट अपने उस पेज की तरफ, जस्ट मुझे ये पेज दोबारा से ओपन कर लेने दें। अब इस पेज के ऊपर आप देख रहे हैं मेन ग्लव्स तो हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे ग्लव्स अवेलेबल हैं आगे, उन ग्लव्स के डिफरेंट नाम है, ठीक है, जैसे पहले ग्लव का नाम है डेल्टा, दूसरे का नाम है हावर्थ, 3rd का नाम है बाथ। इन्होंने यहाँ पे ग्लव्स मेंशन नहीं किया हुआ, इसको ग्रीन ग्लव्स नहीं बोला हुआ, इसको ब्लैक ग्लव्स नहीं कहा हुआ, या इसको कोई अगेन जो ग्लव्स वाला पार्ट है वो डायरेक्टली रिपीट नहीं किया हुआ, तो उसकी भी रीज़न हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम इनिशियली 2 प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेते हैं पेज। फाइन, सो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपके पास आपने कोई वेबसाइट जिसको आप क्रॉल कर रहे हैं और उस वेबसाइट ने अपने पास बैकएंड पे एक कोड लगाया होता है जिसके थ्रू कोई भी क्रॉलर उस वेबसाइट को या कोई उस वेबसाइट को बार बार जाके विजिट नहीं कर सकता। उससे क्या होता है कि वो वेबसाइट थ्रू हैकिंग अटैम्प्ट से वो बची रहती है, क्योंकि जब एक ही IP से एक वेबसाइट को बार बार एक्सेस किया जाएगा, उसके मल्टीपल पेजेस को देखा जाएगा, तो वो एक सॉर्ट ऑफ उसके लिए वो एक सॉर्ट ऑफ एक हैकिंग अटैक उसको कंसिडर कर रहा होगा। तो इस वेबसाइट ने ये वाली पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे अप्लाई की हुई है, जिस वजह से जब हम इसको जाएंगे अपने स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास इसकी तमाम पेजेस जो हैं वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होंगे। जस्ट मिनट, तो मैं सिंपली ऐसे करता हूँ, विजुलाइजेशन और पोस्ट ग्राफ। ठीक है, ओके, आप सिंपली इसको यहाँ से मिनिमाइज करें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत सारा इसका ना रेड रेड से नजर आ रहे हैं आपको, डॉट्स नजर आ रहे हैं, रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, और ये रेड डॉट्स प्रेजेंट कर रहे होंगे कि ये पेज अवेलेबल नहीं है, जबकि ये रीजन है क्योंकि ये जो वेबसाइट राइट नो अभी देखी है, इस वेबसाइट के अंदर ये चीज़ बाय डिफॉल्ट ही एक्टिव हुई भी है, जिसके अंदर कि आप इस वेबसाइट को बहुत सारा क्रॉल नहीं कर सकते, इसके बहुत सारे पेजेस जाके ना चेक नहीं कर सकते। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई और वेबसाइट देख लेते हैं जो कि शॉर्ट वेबसाइट हो, छोटी वेबसाइट हो, ताकि आपको मैं इजीली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं दे सकूं। तो उसके लिए हम कोई और निश चूज कर लेते हैं, कोई भी एक वेबसाइट अगर आप मुझे चैट सेक्शन में बता दें। hmm.
कोई वेबसाइट, शॉर्ट वेबसाइट हो, छोटी वेबसाइट हो जिसको हम जल्दी से क्रॉल भी कर सकें। नहीं, फ्लिपकार्ट अलग है कि बंदे मिलियंस ऑफ पेजेस हैं उस वेबसाइट के, वो हम कहाँ से क्रॉल करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, सिंपली यहाँ पे आता हूँ, पॉज कर देता हूँ, सिंपली कंट्रोल ओ और लेदर स्किन शॉप फाइन ओपन। परफेक्ट। तो ये एक वेबसाइट थी जो मैंने कुछ टाइम पहले क्रॉल की थी, और स्ट्रीमिंग फ्रॉग के थ्रू मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज किया था कि इस वेबसाइट में क्या चल रहा है। तो जब भी आपने स्ट्रीमिंग फ्रॉग पे आना है, इजी सॉफ्टवेयर है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। आप इसको आराम से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और कोई भी वेबसाइट पकड़ें, उसको यहाँ पे एनालाइज करें। तो आपके पास इस वेबसाइट, इसको यूज़ करते हुए ना, आपको बहुत सारी चीज़ें विद इन दैट सॉफ्टवेयर नज़र आ जाएंगी कि आपने एक दफ़ा एक वेबसाइट को गूगल लेवल पे तो चेक कर लिया जाके, लेकिन उस वेबसाइट के बाकी तमाम पेजेस को अगर आपने वन गो में चेक करना है, उस पेज उस वेबसाइट के कितने पेजेस हैं, उसके उनके मेटा टाइटल्स क्या हैं, ठीक है, उनकी मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से बड़े आराम से आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम वापस जाते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ओके, सो दोबारा से हम यहाँ पे वापस आते हैं और इसको फाइन। तो आपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, पेज का जो कोड है राइट नाउ वो 200 शो कर रहा है, वो पेज इंडेक्सेबल है नहीं है, उसकी H1 हेडिंग के H2 हेडिंग्स क्या हैं, ठीक है, और उसके अंदर इंटरनल लिंक्स को आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से उसके इंटरनल लिंक्स बने हुए हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें आप विद इन दिस सॉफ्टवेयर बैठ के चेक कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंटरफेस देख लेते हैं। साथ ही मैंने कहा आपके सामने वेबसाइट भी मैं ओपन कर दूं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैन बाइकर जैकेट्स, तो हम ये चूज कर लेते हैं जो इसका पेज है, मोटरसाइकिल जैकेट्स, ठीक है, कॉपी। हाँ, अब ये देखें इस वेबसाइट है ना, वो जो मैं आपके साथ चीज डिस्कस कर रहा था कि एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए आपकी, आपके कलेक्शन पेजेस के ऊपर, तो वो इसने वो स्ट्रेटजी बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की हुई है। यहाँ बॉटम पे आके टॉप पे इन्होंने कुछ भी नहीं इस तरह का मेंशन किया, टॉप पे सिंपली इनकी मेंस लेदर मोटरसाइकिल जैकेट, दैट्स इट, और एक वन लाइनर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कोई लंबी जोड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप बॉटम पे आए पेज पेज के, तो यहाँ पे आपको इन्होंने तमाम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, अपने ब्रांड के बारे में बताया हुआ है और अपने कीवर्ड को कवर किया हुआ है यूजिंग दिस कंटेंट जो पेज के बॉटम पे आ रहा है। क्योंकि जो बंदा जैकेट लेने आ रहा है वो डायरेक्टली कॉन्टेंट रीड करने नहीं आ रहा, उसको इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उसके पास है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई करते हैं बॉटम ऑफ द पेज पे, कलेक्शन पेजेस पे, ताकि हम यहाँ पे रैंकिंग वाइज इजीली अच्छी रैंकिंग्स हम ले सकें। और ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है कि इंटरनल लिंक्स कितने लगे हुए हैं इस पर्टिकुलर पेज पे। तो आपकी जो भी निश है, जिस पर्टिकुलर निश में आप जाना चाह रहे हैं, जब भी आप कंपेटिटिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि यार इन्होंने क्या क्या चीज़ें मिस की हैं, क्या अप्लाई किया हुआ है, वो तो बहुत अच्छी बात है ना। टॉप पे आ रहे हैं और कुछ चीज़ें मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप 2 से 3 कंपेटिटर भी ज़रा डिटेल्ड वे में बैठ के एनालाइज करेंगे, तो आपको खुद ही गैप्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसने मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी, सेकंड कंपेटिटर ने स्कीमा नहीं लगाया हुआ, ठीक है, थर्ड कंपेटिटर ने इंटरनल लिंक्स अच्छे नहीं लगाए हुए और डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखी हुई हैं। तो वाई नॉट कि मैं ये जो 3-4 गैप्स मुझे नज़र आए हैं, मैं ये गैप्स उठाऊँ और इन गैप्स को कवर अप कर लूँ और अपनी स्ट्रेटजी में इनको डाल दूँ। तो यहाँ से फिर आपके पास में एक एनालिसिस बिल्ड हो जाएगा कि टॉप 3 या टॉप 5 रिजल्ट्स क्या थे, उन्होंने क्या क्या अच्छी चीज़ें की हुई हैं वो आप लिख सें और उनको आप इंप्लीमेंट करें, और क्या क्या इन्होंने गैप्स किए हुए वो आप वो भी आपके पास लिखे हुए ऑलरेडी आ चुके होंगे, उनको भी आप लोग डेफिनेटली इंप्लीमेंट करें। अब जैसे
इस वेबसाइट ने किया है। तो हम इसका ये वाला एक पेज उठा देते हैं और एक मिनट, ठीक है। सो हम इसका ये पेज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और साथ ही अपने सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आकर के हम ये पेज इंटर करते हैं। तो अब हमें ये पेज शो हो रहा है यहाँ पे, ये तीन, इस पेज के दो मजीद पार्ट हैं, ये पेज वन है, नेक्स्ट उसके पेज टू है। तो हम इस बॉटम वाली स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। तो यहाँ पे ना इस पेज की तमाम डिटेल्स नजर आएंगी आपको। इस पेज का टाइटल क्या है, मेंस लेदर जैकेट, मोटरसाइकिल लेदर जैकेट फॉर मैन। उसके बाद आप नीचे आए, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यहाँ पे, फिर उसका एच वन हेडिंग मैंशन हुई हुई है, उसने फिर एच टू हेडिंग्स मैंशन की हुई है, इस मैंस लेदर मोटरसाइकिल वर्क फाइंग जैकेट वर्क फाइंग, ये जो आपके पास हेडिंग आ रही है ईके वाली, ठीक है। और उसके साथ ही अगर आप नीचे आए तो आपके पास इस पेज की लिंक्स आ रहे होंगे। इस पेज इंटरनल लिंकिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है कि यार ये एक पेज कितने पेजेस को लिंक आउट कर रहा है। एक है उस पेज के हेडर, कि आपने उसका हेडर सेक्शन देख लिया, हम इधर ही आ जाते हैं, पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। कान में लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लें, लैपटॉप 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 जस्ट जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर द रिमाइंडर। साथ ही हम इसको चार्जिंग पे लगा लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, तो अब हमने जब पेज लेवल पे आ गए, यहाँ पे हमने देखा कि इस पेज के ये तमाम जो टॉप वाला सेक्शन है ये रिपीट हो रहे हैं, हर पेज के ऊपर ये लिंक्स लगे हुए हैं। इसके ऊपर फिलहाल हमने नहीं जाना, हम वेबसाइट की नेविगेशन या जो उसका हेडर मेन्यू क्या है, कैसे बनता है, या फुटर क्या है, वो कैसे बन रहा है, उसको राइट नाउ हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, ठीक है। और सिमिलरली जो आपके पास यहाँ फुटर सेक्शन है, इसको भी हम फिलहाल एक्सप्लोर नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग दैट पेज ये कितने चीज़ों के साथ लिंक कर रहे हैं, ये तो इसकी प्रोडक्ट्स आ गई तमाम की तमाम, उसके साथ कॉन्टेंट क्या है और उस कंटेंट में किन किन इसके जो एंकर लिंक्स बने हुए हैं, ये एंकर टेक्स्ट बने हुए हैं, ये किन किन पेजेस के साथ मजीद लिंक आउट कर रहे हैं, इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे आएंगे हम, और सिंपली आने के बाद आपके पास ये देख रहे हैं आउटलिंक्स एंड यूनिक आउटलिंक्स। तो आउटलिंक्स का मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ लिंक्स जो इस वेबसाइट से जा रहे हैं, वो इसके इंटरनल हो सकते हैं, डिफरेंट पेजेस पे हो सकते हैं, ठीक है। और यूनिक आउटलिंक्स इसके वो हैं तमाम के तमाम जो के इस यूनिक जा रहे हैं, यानी कि हेडर एंड फुटर का तो मैंने आपको बताया ना, वो आपने स्किप कर देना, उसके नहीं जाना, उसको निकाल के जो आपके पास बाकी चीज़ें आ रही हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास सेक्शन आउटलिंक्स का अवेलेबल है, तो मैंने आउटलिंक्स पे क्लिक किया और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पेज है ये मजीद किन किन पेजेस के साथ लिंक कर रहा है। ये देख रहे हैं आपके पास ये तमाम के तमाम वो आ रहे हैं। तो यहाँ से आप एनालिसिस करेंगे कि आपका जो ये पेज है ये किन किन कह लें पेजेस के साथ लिंक कर रहे हैं, नेक्स्ट किन पेजेस के साथ लिंक कर रहे हैं, और दूसरी चीज कि इस पेज को कितने लिंक्स आ रहे हैं, किन किन पेजेस से, इंटरनल वेबसाइट के किन किन पेज से इस पेज को लिंक्स में। तो यह सॉर्ट ऑफ अ बैकलिंक आप कह रहे हैं, एक तो बैकलिंक वो है ना जो आपको डिफरेंट वेबसाइट से आ रहे हैं, एक बैकलिंक आपको विद इन द वेबसाइट ही मिल रहे हैं, वो उसको हम इंटरनल लिंकिंग जनरली कह देते हैं। तो आपका वो पेज कितने पेजेस के साथ लिंक कर रहा है और किन एंकर टेक्स्ट के साथ कर रहा है, और बाकी पेजेस वेबसाइट के कितने पेजेस हैं जो आपको लिंक कर रहे हैं, तो ये भी आपने अपने पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी बनाना है। तो ये दो चीज़ें मिसिंग होती हैं मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स साइट्स में। नंबर वन, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है कैटेगरी पेज की या कलेक्शन पेज की, वो मिसिंग होती है, और जब वो मिसिंग है तो उसके अंदर कोई इंटरनल लिंकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपने डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत लिख दी है, उसके अंदर इंटरनल लिंक्स लगे नहीं होते, तो आपकी कोई भी वेबसाइट है राइट नाउ, आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आप समझते हैं कि यार आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की हुई, आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें, नंबर वन डिस्क्रिप्शन कलेक्शन पेजेस की, और नंबर टू इंटरनल लिंकिंग। ये दो चीज़ें करने से ही आपकी रैंकिंग्स में बहुत सारा वो आएगा, इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास स्क्रीमिंग फ्रॉग, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें आपने स्क्रीमिंग फ्रॉग में फर्स्ट गो में जाके फाइंड आउट करनी है।
और उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने वाली चीज होती है, क्योंकि हम इंसान हैं तो हम लोग ड्राइंग्स को, इमेजेस को, विजुअलाइजेशन को बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यहाँ बैठ के रीडिंग्स करते रहें। तो इस सॉफ्टवेयर में हमें, हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल होती है। आपके पास दो चीजें, एक आपके पास ये फोर्स डायरेक्टली ट्री ग्राफ है, इसको ओपन कर लें। ओके तो अब क्योंकि ये शॉपिफाई स्टोर है, तो आपको नजर आ जाएगा कि एक सर्कल जो है वो तमाम कलेक्शंस का सर्कल होगा, एक सर्कल है वो प्रोडक्ट्स का होगा, सेंटर में आपका होम पेज है, फिर उसके साथ बाकी आपके पास ब्लॉग्स पेजेस हैं, ब्लॉग्स पेजेस के साथ आपके पास तमाम के तमाम पॉलिसी पेजेस हैं। ठीक है, तो ये आपने एनालाइज करना है। कोई भी आपने वेबसाइट जब आप अपनी बिल्ड कर रहे होंगे, आपने उसमें देखना है कि यार ये कितने टॉपिक्स के ऊपर इसने बात की हुई है, इसने पेजेस को स्ट्रक्चर कैसे किया हुआ है, कौन सा पेज इसने किस स्ट्रक्चर के अंदर अंडर ऐड किया हुआ है। तो जो स्क्रीमिंग फ्रॉग है वो आपको दो तरीके से ना विजुलाइजेशन प्रोवाइड कर देते हैं ना। नंबर वन, आप ये फोर्स डायरेक्टली ट्री ग्राफ इस हेडिंग में जाएं, इसके अंदर जाके आप ये एनालाइज कर रहे हैं। अब जैसे ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल है आई थिंक कलेक्शन वाला, यानी कि इस वेबसाइट की कितनी कलेक्शंस क्या है, कितनी कैटेगरीज है, ये तमाम आपके पास इसकी ना कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही है। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करें, इस दूसरे सर्कल पे आए, तो ये जो सर्कल है इनका, ये प्रोडक्ट्स वाला सर्कल है, यहाँ पे आपको इसकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी। उसके बाद आप इस वाले सर्कल को आके एनालाइज करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास पेजेस हैं, ये इसकी पॉलिसी पेजेस, अबाउट अस पेज, इस तरह के जो पेजेस होते हैं वेबसाइट के, हाउ इट वर्क, फिर इस तरह के जो जनरल पेजेस होते हैं। ठीक है, और ये बनाने जरूरी होते हैं, ये आपने भी जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं, ई कॉमर्स पे बिल्ड करें, तो आप इस तरह के पेजेस लाजमी बनाएं, अबाउट अस, अपनी स्टोरी डालें, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी बड़े क्लियरली मेंशन करें, कॉपी पेस्ट करने की डायरेक्टली उस तरह की जरूरत नहीं, लेकिन आपको गूगल को बताना है कि भाई हम लोग बाकी ये चीजें तमाम की तमाम देते हैं, आपकी पॉलिसी बड़े क्लियरली मेंशनड हो। ठीक है, उसके साथ ही आपकी नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये आपके पास है तमाम के तमाम ब्लॉग्स, ये जो आपके ब्लॉग्स हैं वो तमाम, ये सारा फोल्डर वो वाला ब्लॉग्स वाला सेक्शन होगा। और अगर आप इसको एनालाइज करें तो वो, क्योंकि ये ब्लॉग्स उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो एक पेज पे पूरे नहीं आ रहे, तो उसके लिए वो सेपरेट पेजेस बने हुए हैं, उसके साथ इसको हम जनरली पेजिनेशन के नाम से कह देते हैं। ठीक है, और ये आपके पास तमाम के तमाम ब्लॉग्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जितनी आप देख रहे हो ये ब्लॉग्स की हेडिंग्स हैं और तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, और आप यहाँ पर भी अगर किसी एक पेज के ऊपर भी क्लिक करेंगे ना, तो आपको उसका पेज का टाइटल क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, उसके कितने लिंक्स आ रहे हैं, कितने लिंक्स जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपको नजर आएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं, वो है इसका डायरेक्टरी ट्री ग्राफ। तो डायरेक्टरी ट्री ग्राफ जो है ना, अगेन वही चीज़ है कि आपके पास जो आपका जो हमने पिछला स्ट्रक्चर देखा है, लेकिन इसमें वो क्या करता है कि एक ना एक लाइन बाय लाइन आपको आइटम तमाम की तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, इसकी तमाम चीज़ें क्या थी। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करूं या आपको अंडरस्टैंड कराऊं, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये शॉपिफाई स्टोर है, तो इसमें मैंने आपको बताया पांच चीज़ें होंगी, होम पेज है, कलेक्शन है, प्रोडक्ट्स है, ब्लॉग्स है, और जनरल पॉलिसी पेजेस हैं। तो आप यहाँ से जाएं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये तमाम इसका प्रोडक्ट्स वाला सर्कल था, इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, इसको भी मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, और थर्ड आपके पास ये वाला सर्कल ब्लॉग्स। ठीक है, और फाइन। तो अब आपके पास ना ये बड़ा एक वो सिंपल सा स्ट्रक्चर के तौर पे सामने आ चुका है, पहले वो गोल गोल ड्राइंग्स थी। ठीक है, उसको एनालाइज करना, वो एनालाइज करने की रीजन डिफरेंट होती है, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप वेबसाइट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, तो आपको उसकी अहमियत या नजर आएगा कि यार ये स्ट्रक्चर कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है, दोनों सेम के सेम। तो क्या बताया था मैंने आपको कि आपके पास शॉपिफाई में टोटल पांच चीजें हैं। नंबर वन आपका ये होम पेज है, और होम पेज के साथ आपके पास चार चीजें होती हैं, आपके प्रोडक्ट्स हैं, कलेक्शंस हैं, ब्लॉग्स हैं, और पेजेस हैं। सबसे पहले हम पेजेस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये देखें, अब आप ना ये इस वेबसाइट ने इतने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं पेजेस वाले सेक्शन के अंदर, यार ये तमाम के तमाम वो पेजेस हैं जो ब्रांड पेजेस आप कह लें, ठीक
जिसमें इस ब्रांड की स्टोरी है, इसकी साइजिंग गाइड है, कॉन्टैक्ट अस है, इन्होंने ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन अवेलेबल किया हुआ है, फिर इन्होंने यहाँ पे रिव्यूज का एक पूरा पेज बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ना आप इस पेज को एनालाइज कर सकते हैं। वारंटी के ऊपर इन्होंने एक पूरा पेज मेंशन किया हुआ है, कस्टम लेदर वेस्ट और जो कस्टम इनकी चीज़ें हैं उसके ऊपर उन्होंने पूरा पूरा एक पेज बनाया हुआ है, और ये पेज गूगल में रैंक भी कर रहे होंगे। अगर ये कस्टम पंक जैकेट वाला पेज है तो ये पेज गूगल में इन कीवर्ड्स के साथ रैंक भी कर रहा होगा। फिर उसके बाद आपके पास अगर हम पेजेस को अंडरस्टैंड कर लिया, आपने देख लिया कि यार ओके फाइन, जब मैं अपना लेदर का ब्रांड फॉर एग्जांपल बनाऊंगा, मेरी क्लॉथिंग है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, तो मैं ये तमाम चीज़ें यहाँ पे ऐड करूंगा। ये चीज़ें दो चीज़ों को हेल्प कर रही है, ये तमाम पेजेस बनाना, इनको हम ब्रांड पेजेस कह रहे हैं। गूगल की नज़र में आप एक ब्रांड के तौर पर अपीयर हो रहे होते हैं कि भाई आप कोई ऐसे ही चलती फिरती साइट नहीं है, आप एक प्रॉपर ब्रांड है जिसकी तमाम तर पॉलिसीज हैं, कुछ उसके अंदर आप एज एन एफिलिएट जा सकते हैं, कस्टम और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, फाइन। और दूसरा आपके यूज़र्स हैं कि यूज़र्स को बहुत आसानी होती है जब वो इस तरह की डिटेल्स देखते हैं वेबसाइट पे, तो उनके माइंड में आता है कि यार पता नहीं कितनी बड़ी टीम बैकएंड पे बैठी हुई है। सो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग्स वाला, तो ब्लॉग्स को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अब इन्होंने अपना ब्लॉग का नाम ही डिफॉल्ट ब्लॉग रख दिया है, फाइन। ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप डिफॉल्ट ब्लॉग रख दें, यहाँ पे आपके ब्लॉग का कोई नाम होना चाहिए और बाकी तमाम जो है उसके वो पेजिनेशन पेजेस हैं, ठीक है। और अगर मैं इस डिफॉल्ट ब्लॉग को ओपन करूँगा तो हमारे पास इसके ना वो तमाम के तमाम ब्लॉग्स आ जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनके पास कितने यहाँ पर ब्लॉग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आके सर्च करता हूँ लेदर डैश जैकेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि लेदर जैकेट से मुतालिक इनके 98 यहाँ पे पेजेस आपको शो हो रहे हैं, 98 बार ये चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। वहाँ वन बाय वन ना आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके, क्योंकि फाइन कौन कौन सा इनका पेज है, वो किस किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में है, ठीक है। और आपको अगर ब्लॉग आइडियाज़ लेने हैं, इन्होंने कितने ब्लॉग्स कवर किए हैं, कितने टॉपिक्स कवर किए हैं अपनी अपनी ब्लॉगिंग की स्ट्रेटजी के अंदर, ओके। तो हम यहाँ से ब्लॉग सेक्शन को आके अब मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट कलेक्शंस के सेक्शन के ऊपर। तो जो कलेक्शंस का सेक्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे कैटेगरीज कितनी है राइट नाउ, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अच्छा ये जितने पेजेस हैं ना, जितने आगे पेज इक्वल टू 1, 2, 3, ये पेजिनेशन पेजेस होते हैं जो कि आपको नजर आएंगे जब आप पेज के बॉटम पे जाते हैं, तो वो एक बॉक्स बना हुआ होता है 1, 2, 3, आप उन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेजेस विजिट करते हैं। इनको आपने स्किप कर देना है डायरेक्टली, इन पे फिलहाल फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ से नजर आएगा कि इन्होंने लेदर बैग्स मैन के ऊपर एक पेज बनाया हुआ है, देन इन्होंने लेदर बूट्स मैन के ऊपर पेज बनाया हुआ है। इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कलेक्शंस का है, कि कौन कौन इन्होंने कलेक्शन बनाई है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे आएंगे वापस अपने प्रोडक्ट्स, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स का इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा कि इन्होंने प्रोडक्ट्स क्या क्या इस्तेमाल, उनकी नेमिंग स्ट्रेटेजी क्या रखी हुई है, ठीक है। और वो जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे अपीयर हो रही हैं। और अगर आपने कोई भी एक पेज यहाँ से चेक करना हो, आप सिंपली इसको यहाँ से करें कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ आए गूगल पे और आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें सिंपल, तो आपके पास इसका वो वाला पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा कि यार ये पेज एग्जैक्टली कौन सा है। तो यहाँ से आपको फिर इसकी मज़ीद डिटेल्स वगैरह पता चल जाएगी। तो ये था इसका इस सॉफ्टवेयर स्क्रीमिंग फ्रॉग का ओवरव्यू कि कैसे आप इसको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में ना इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो चीज़ें मेटा टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, वन बाय वन आपने डिफरेंट वेबसाइट का क्रोम एक्सटेंशन का जाके आपने इस्तेमाल फाइंड आउट कर लिया, तो आप यहीं पर सिंपली, लेकिन ये आपको एक वेबसाइट के बारे में बताएगा सिर्फ और सिर्फ। आप यहाँ पर एक वेबसाइट डालें, उसको स्टार्ट करें, ये टाइम लगाएगा थोड़ा, उसके बाद आपके सामने तमाम रिजल्ट उसके ले आएगा। और उसका आपने स्ट्रक्चर एनालाइज कर लिया और उसकी ऑन पेज के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम चेक कर लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटेल्स थी इसकी स्क्रीमिंग फ्रॉग की। हम वापस आते हैं अपने इस वाले सेक्शन के ऊपर जो हम इनिशियली डिस्कस कर रहे थे। अब हमने अभी तक हमने जो एक बार हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, कि हमने क्या करना है कि गूगल को हमने ये देखना है कि यार गूगल में ना ऑलरेडी क्या रैंक कर रहा है हमारे किसी एक टर्म के अगेंस्ट, किसी कीवर्ड के अगेंस्ट। तो हमने ड्राइविंग ग्लव्स एक कीवर्ड चूज कर लिया था,
और उसके अगेंस्ट हमने एक कलेक्शन पेज उठा लिया एक वेबसाइट का, जो कि मैन ड्राइविंग मैन लेदर ग्लव्स था। हमने देखा कि यार ये पेज है, इस पेज के ऑन पेज के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, और वो तमाम फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिए। फिर उसके साथ हमने इसी पेज को जाके एस सी एम रश में एनालाइज कर लिया कि ये पेज किन किन कीवर्ड्स के साथ रैंक है, ताकि हमें पता तो चले कि ओके इन्होंने अगर ये मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन ये तमाम चीज़ें लिख दी हैं तो किन कीवर्ड के साथ ये रैंक हुए हैं। क्योंकि आप आज अगर कोई अपनी कीवर्ड स्ट्रेटजी बनाने बैठे हैं, आप कीवर्ड्स लिख रहे हैं, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार आफ्टर सिक्स मंथ्स जब मैं अपनी वेबसाइट बना लूँगा और उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें डाल दूंगा तो मैं गूगल में रैंकिंग वाइज कहाँ स्टैंड कर रहा हूँगा। ठीक है, तो एस सी एम रश आपको बड़े आसानी से बता देगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप कंपेटिटर्स को देख लोगे कि यार इन्होंने कौन कौन से बेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखे थे अपने डे वन पे, और उसके बाद किन कीवर्ड्स के साथ ये लोग रैंक हो चुके हैं या किन कीवर्ड्स के साथ ये लोग टॉप पर आ चुके हैं, तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। हमने यहाँ पे इसके तमाम के तमाम फैक्टर्स थे वो एनालाइज कर लिए कि आपका एच वन क्या है, कॉन्टेंट क्या है, इन्होंने इंटरनल लिंकिंग की है नहीं की है, स्कीमा का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, स्कीमा या स्ट्रक्चर डाटा का कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा को इस्तेमाल किया हुआ, और वो तमाम चीज़ें। ठीक है, तो ये और उसके साथ ही फिर हमने स्क्रीमिंग फ्रॉग को अंडरस्टैंड किया कि स्क्रीमिंग फ्रॉग को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करने में या कंपेटिटर्स को रिवर्स इंजीनियर करने में। तो उन्होंने एग्जैक्टली अपना स्ट्रक्चर किस तरह का बनाया है, किस तरह से उन्होंने इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रेटजी बनाई है, और क्या क्या उनकी तमाम डिटेल्स हैं, और उसका हम उसकी उसकी वेबसाइट को देख कैसे सकते हैं एक बर्ड आई ओवरव्यू के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक के हम चलते हैं जूम में वापस और आप लोगों के ना क्वेश्चंस लेते हैं कि ओके चैट सेक्शन फाइन बिल्कुल ठीक हो गया ना, चार्ज पे लगा दें जी। तो क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों के प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चंस शेयर करें या पूछ सकते हैं। जी वजी आप माइक पे क्वेश्चन करेंगे या चैट में शेयर में डाल दें। ओके फाइन, शेयर तो मैं यहाँ पे आपको भी कॉपी करके दे देता हूँ। ओके जी, शीट मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है और आई थिंक अब हम साथ साथ ना क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सर इसलिए गुरुवारों को होस्टिंग मिलेगी जी, वो आपको टीम बता देंगे कि आपको होस्टिंग का क्या सीन है। शीट मैंने ऐड कर दी है। एच वन पेज की ना कोई भी आप जब भी किसी भी पेज को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसकी एक हेडिंग का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि आपका हेडिंग वन क्या है, हेडिंग टू क्या है, हेडिंग थ्री क्या है। तो जो फर्स्ट हेडिंग एच वन होती है वो किसी भी पेज पे एक ही होती है। आपने एक बार उसको तो एक हेडिंग रखते हैं, आपके पास अगर मल्टीपल हेडिंग्स हैं तो आप आगे हेडिंग्स को चेंज कर रहे हैं, उसको H2 करवा दें या H3 करवा दें डिपेंडिंग अपॉन कि आप वो किस जगह पे है। और फिर H1 के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है, जो मेन टॉपिक है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, वो आपका कीवर्ड वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और दैट्स इट, दिस इज द H1। ब्लॉग एंड एफिलिएट वेबसाइट की कैसे रिवर्स होगी? सिंपल है, इसी तरह ही है। आपने ना ब्लॉग है या एफिलिएट वेबसाइट है, जो मर्जी है, आपने सिंपली देखना है कि आपकी आपकी कीवर्ड रिसर्च क्या आपने की है। एक तरीका है कि आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च कर रही कि यार मैंने ये कीवर्ड रिसर्च किए हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका था कि आपने कंपेटिटर्स को रिवर्स इंजीनियर किया, जो हमने इस केस में आज की इस क्लास में देख लिया।
तो एफिलिएट वेबसाइट है वो जिस मर्जी चीज के ऊपर रैंक कर रही है, आप उसको सिंपली दो काम कर लें, आप उसको उठा के एसईएमरश में ले जाएं, वहां पे देखें कि किन किन कीवर्ड्स के साथ रैंक है, और उसके एक एक पेज बाई पेज आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, और साथ ही आप उसको स्ट्रीमिंग फ्रॉग में डाल के देख लें कि इन्होंने क्या स्ट्रक्चर डायरेक्टली अप्लाई किया हुआ है, उस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर आपको वो नजर आ जाएगा कि क्या चीज है, इनकी ब्लॉग है या एफिलिएट है, वो क्या उन्होंने स्ट्रेटजी रखी हुई है। प्लीज डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉग वेबसाइट टू। ओके सर, एफिलिएट वेबसाइट्स के लिए भी यही स्ट्रेटजी यूज होगी। देखें इसमें ना, इसको आप यूं करें, इसको यूं कंसिडर करें कि आपने किसी पेज को एनालाइज करना है, आइदर वो ब्लॉग का पेज है, वो एफिलिएट वेबसाइट का पेज है, वो किसी ई कॉमर्स की कलेक्शन का या प्रोडक्ट का पेज है। एट द एंड हो क्या रहा है, कीवर्ड है, और उस कीवर्ड के अगेंस्ट आगे गूगल में रिजल्ट्स हो रहे हैं, वो जिस मर्जी चीज के रिजल्ट्स हैं, तो हमने ये देखना है कि वो कीवर्ड है और मैंने अपनी वेबसाइट के लिए चीजें बनानी है, वेबसाइट पे मैंने वो पेज ऐड करना है, तो मैं क्या चीजें बेस्ट प्रैक्टिसेस लगा सकता हूँ। आपने उन पेज उन तमाम रिजल्ट्स को, टॉप के दो या तीन रिजल्ट्स पकड़ के उनको एनालाइज करना है। अब इधर वो वेबसाइट को ई कॉमर्स है, वो एफिलिएट वेबसाइट है, वो ब्लॉग वेबसाइट है, ये मैटर नहीं कर रहा राइट नाउ। हम सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी विन कर चुके हैं, गूगल में टॉप स्पॉट्स पे आ चुके हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, तो हम भी एग्जैक्टली वही चीजें कर लें, या चार पांच बंदों की चीजें देखें, उधर से आइडिया लें कि हमने क्या चीज करनी है ताकि हमें भी ये रिजल्ट इस तरह के मिल सकें। और इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एनालाइज किया है गूगल के आपकी वेबसाइट के ऑन पेज के तमाम एलिमेंट्स को, ऑफ पेज एलिमेंट्स को या जो बैकलिंक्स हैं हमने डायरेक्टली उसको एक्सप्लोर नहीं किया। उसकी स्ट्रेटेजी आपके पास ये है कि आप जब ऑन पेज की तमाम चीजें कवर आप कर लें, उसके बाद आप जाके सिंपली अपने एसईएमरश में आए और उसके अंदर आके आपने चेकआउट कर लेना है। जैसे अब ये वाला एक पेज है, इस पेज को मैं सिंपली यहाँ पे बैकलिंक एनालिटिक्स में आ जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे इस पेज के बैकलिंक्स तमाम के तमाम नजर आ जाएंगे। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि जो उसके डू फॉलो बैकलिंक्स हैं वो सेपरेट कर सकता हूँ, जो टॉप की अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं वो लिंक्स आ रहे हैं उनको सेपरेट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं डाटा सेपरेट करते करते अपने पास एक शीट बना लूंगा। अब जैसे इनका ये पेज है, ये पेज इस पेज के ऊपर सिर्फ ये आपके पास दो लिंक्स शो कर रहा है, ठीक है, टू रेफरिंग डोमेन्स, फाइन, क्योंकि बैकलिंक्स वाला चैप्टर आपने डायरेक्टली अभी तक किया नहीं था, इसलिए मैंने उसको ज्यादा टच नहीं किया, फाइन। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, टीम चाइन प्लीज आस्क, ओके फाइन, इफ यू हैव एनी क्वेरी सर, कंपेटिटर के गैप्स ढूंढ के अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। एग्जैक्टली, आपने एक तो गैप्स भी फाइंड आउट कर लें, नंबर टू के वो ऑलरेडी क्योंकि टॉप पे ना, आपने जो टॉप पे दो तीन पोजिशन आ रही हैं आप उनको एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको जब आप टॉप के दो तीन लोग भी एनालाइज करना शुरू करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे नजर आएगा, वो डिफरेंस नजर आएगा। मेरे पास एक ना प्रॉम्प्ट था चैट जीपीटी का, और उस प्रॉम्प्ट के अंदर ना वो मैं प्रॉम्प्ट आपको ढूंढ के आपके साथ शेयर करता हूँ। उस प्रॉम्प्ट में मैंने इसी तरीके से एक वो पूरी तीन टॉप के रिजल्ट्स निकाले, वो गूगल को दिए, चैट जीपीटी को दिए, और उससे पूछा कि इन तमाम को एनालाइज करो, इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल्स को, इनके स्कीमा को, तमाम चीज़ों को, और वहाँ से आपके पास फिर वो, और फिर मुझे एक नई स्ट्रेटजी बना कर दो, ठीक है। तो वहाँ से वो आपको गैप्स भी मिलते हैं, क्या उन्होंने अच्छी चीज़ें की हैं और क्या नहीं की हुई, तो दोनों आपको मिल जाती हैं, जो की हुई हैं वो तो चुपो ना भाई फटाफट, तो जो नहीं की हुई वो गैप्स हैं आपके लिए, वहाँ से आप लोग विन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप चलें इस क्लास की रिकॉर्डिंग, सर्विसिंग रेजिडेंशियल, स्ट्रीमिंग फ्रॉग ना एक बहुत बड़ा वो कह लो एक सॉफ्टवेयर है, तो अब उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके नॉलेज पे डिपेंड करते हैं कि आप स्ट्रीमिंग फ्रॉग से क्या क्या चीज़ राइट नाउ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप स्ट्रीमिंग फ्रॉग में गूगल सर्च कंसोल की API इंटीग्रेट कर सकते हैं, पेज स्पीड्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन डे वन पे जब आप ओपन करते हैं तो जो ऑन पेज की तमाम चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे आपको सामने इसके डैशबोर्ड में नज़र आ रही होती हैं। अगर हम यहाँ पे आएँ, आपके पास उसके तमाम जो H1 है, H2 है, पेज टाइटल्स हैं, URLs हैं, वो तमाम के तमाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और उनके क्या स्टेटस कोड्स हैं, इंडेक्सेबल है नहीं है। अगर आप अपनी वेबसाइट है, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या इशूज़ हैं, वो तमाम इशूज़ आपको यहाँ पे साइट पे शो करना शुरू कर देता है। इस तरीके से बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं स्ट्रीमिंग फ्रॉग के। ओके, के यूज का बेस वजह क्या है? सो इसकी बेस वजह यह है कि हम ना वेबसाइट के स्ट्रक्चर को एक
ओवरव्यू में अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। जैसे एक वो सर अक्सर वो यूज करते हैं इकबाल का शाहीन, तो वो जब शाहीन टॉप पे होता है तो उसको नजर आ जाता है कि मेरा शिकार किधर है, गैप किधर है, ठीक है। तो आप भी जब इसको इस्तेमाल करें, तो मैं जब किसी भी अगर इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो मेरी रीजन इस्तेमाल करने की होती है कि मैं यहाँ से आकर उसका स्ट्रक्चर फौरी तौर पर अंडरस्टैंड करता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है। वेबसाइट्स, एफिलिएट ब्लॉग, एफिलिएट सिमेंटिक एसईओ के बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, सिमेंटिक एसईओ पे हम कमिंग वीक में इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे। सर आप एक दिन कीवर्ड रिसर्च की भी क्लास दें, जजाकल्ला बहुत शुक्रिया। प्लीज रिपीट स्कीमा। स्कीमा तो स्कीमा ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, गूगल है ना, गूगल का बॉट आया, गूगल के बॉट ने आके आपके पेज को अंडरस्टैंड किया। सो हम एक काम करते हैं, पेंट पे जाते हैं सिंपली, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से जाके हाइड कर देता हूँ। और हम यहाँ से पकड़ते हैं पेंसिल, फाइन। तो ये जी आपका पेज है, ठीक है, ये आपका पेज है, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो गूगल का बॉट एक के तीन लोग हैं, दो लोग हैं बेसिकली, एक के यूज़र, ठीक है ना। तो ये यूज़र हैं भाईजान, यहाँ से बैठ के इस वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपको नेचुरल लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आपको तमाम पेज की चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अब जब गूगल का बॉट आ रहा है, ठीक है, तो चलें जी एक छोटा सा बॉट बनाते हैं, ऐसे लें जी, कीड़ा सा बन गया। खैर, तो ये आया, ये आपके पेज को अंडरस्टैंड करेगा, टॉप टू बॉटम आपके पेज का टेक्स्ट रीड करके जाएगा, टेक्स्ट रीड करेगा, उसको अपने एल्गोरिदम से गुजारेगा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि ये पेज किस टॉपिक के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है। ये एक तरीका था, वो गूगल ने कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक छोटा सा कोड लिख देते हैं, ये आप बड़ा सा पेज है उसके साथ इस पेज को आप अटैच कर देते हैं एक छोटे से कोड के साथ, ठीक है। और इस कोड में जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, वो इस बॉट के लिए बड़े आसानी से समझ आने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपका बॉट जब इस पेज को, इस छोटे से पेज को, जो इस पेज का पार्ट है, इसमें से गुजरेगा, तो बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे पेज को समझ जाएगा कि ये पेज किस चीज के बारे में था। तो आपने क्या किया, गूगल की जॉब को आसान कर दिया। तो जब भी आप गूगल की जॉब को आसान करेंगे तो गूगल आपको रिवार्ड करेगा, उसको अपने कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपके पेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो ये स्कीमा का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फिर आगे उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, किस तरीके से है, वो आप खुद अभी आगे एक्सप्लोर करेंगे। ओके जी, व्हाट अबाउट सर्विस पेजेस, रिवर्स इंजीनियरिंग, इट विल बी द सेम। हाँ एग्जैक्टली, सर्विस पेजेस या जो बेसिक पेजेस है उसमें बहुत सारी उसमें चीज होती नहीं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ कंडीशंस, उसमें हम सिर्फ मोस्टली ब्रांड नेम्स ही चेंज कर रहे होते हैं, या अगर आप किसी ऐसे एरिया में सेल कर रहे हैं जिसकी अपनी कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं तो वो आपको मेंशन करनी होती हैं, तो वो आप मेंशन करेंगे। अदरवाइज अबाउट अस है, वो आपकी स्टोरी है, आपका विजन क्या, आपका मिशन क्या, आपके ब्रांड का, वो आपकी स्टोरी है, वो आपने किसी का क्या कॉपी करना है। आपकी शिपिंग पॉलिसी है, रिटर्न पॉलिसी है, वो भी आपकी अपनी है, ठीक है। आपने ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल एक स्टार्ट किया हुआ है, वो भी आपका अपना है। जस्ट अ मिनट, परफेक्ट, इसको यहाँ से उतारते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये जितने भी पेजेस मैंने आपको बताए, आपने डिस्काउंट कोड्स का पूरा एक पेज बना दिया, आपने रिव्यूज का एक पूरा पेज बना दिया, ये तमाम अब आपके अपने पेजेस हैं। यहाँ पे आप कंपेटिटर से ये एनालिसिस कर सकते हैं जाके कि यार इसने गूगल को दिखाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा ब्रांड हूँ, इसने क्या क्या चीजें कवर की हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो अपना ब्रांड एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च करती हैं, जिसमें डिफरेंट, फॉर एग्जांपल यूएसए में 52 स्टेट्स हैं, तो वो 52 स्टेट्स में से हर स्टेट में से एक एक बंदा पिक कर लेंगी, वो एक लॉन्च कर लेंगी कैंपेन की जी हमें हर स्टेट से एक एक बंदा पकड़ना है, उस बंदे के ऊपर एक पूरा पेज बना देंगे वो, ठीक है। उस पेज के ऊपर उसका उसकी डिटेल्स डाल देंगे, उस बंदे की बेस के ऊपर कुछ कूपन कोड्स निकाल के वहां पे लिख देंगे, वो बंदा भी फीचर हो जाएगा, वो भी खुश होकर फिरता रहेगा कि यार मैं ब्रांड इन्वेस्टर हूँ फलाने ब्रांड का, ठीक है। इस तरीके से आपके जो पेजेस हैं, हाउ एसईएम रश प्रेडिक्ट वेबसाइट फ्यूचर पोजीशन, यार एसईएम रश तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता ना कि वेबसाइट की फ्यूचर पोजीशन क्या होगी या उसकी क्या चीजें हैं। सिमेंटिक एसईओ सर, एसईओ की एजेंसी का मैक्सिमम क्या है यार, मिनिमम टाइम कैसे रैंक करें। ओके, आपके पास, आप कोई भी एजेंसी है ना, अगर आपने मिनिमम टाइम में उसको रैंक करना है ऑर्गेनिकली, तो आप स्पेसिफिक हो जाए एग्जैक्ट कीवर्ड के साथ आप अपनी डोमेन ले लें। फॉर एग्जांपल एसईओ, आगे आप
स्टेट है, स्टेट भी बहुत बड़ी हो जाती है। आप सिटी लेवल पे चले जाए, कोई एक बड़ी सिटी पकड़ लें, उसके साथ डोमेन पकड़ के उसके ऊपर जाके आप अपने पेजेस बना दें। फॉर एग्जाम्पल SEO फ्लोरिडा, फॉर एग्जाम्पल SEO सर्विसेज इन फ्लोरिडा, या आपका होम पेज आ गया, आप अपने बाकी की तमाम पेजेस को वहाँ पे जाके अपने पेजेस वन बाय वन बिल्ड कर लें, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, इस तरीके से आप अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं। और तमाम पेजेस के अंदर आपने डायरेक्टली टारगेट करना है अपनी सिटी और स्टेट कीवर्ड को, तो ये आपके पास सबसे आसान तरीका है वहाँ पे रैंक करने के लिए। और सेकंड है कि आप उधर का जब एड्रेस लेंगे और उसके ऊपर अपना गूगल माई बिजनेस, जो कि आप बिजनेस प्रोफाइल हो चुका है, तो जब आप अपनी वो चीज़ बिल्ड कर लेंगे तो वो भी आपको एक अच्छी अथॉरिटी दे देगा। और थर्ड नंबर पे आप जब अपना ऑन पेज कंप्लीट करें, उसके बाद आपको डेफिनेटली उस पर लिंक्स वगैरह क्रिएट करने होंगे। सर जी, सब कुछ कितने मंथ का प्लान है वेबसाइट ऐड करना, जो स्क्रीमिंग फ्रॉग के जरिए बताया? देखिए, प्लान तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कीवर्ड्स को या आप क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, आप कितनी बड़ी वेबसाइट या कितनी छोटी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बनानी है वेबसाइट मैन लेदर ग्लव्स के ऊपर, और मैन लेदर ग्लव्स मेरा होम पेज होगा, मैं इसी एक चीज़ के ऊपर टारगेट करूंगा, ठीक है? तो उसके नीचे क्या पता 4 से 5 कैटेगरीज बने, तो आपने क्या करना होगा कि उन 4-5 कैटेगरीज की कीवर्ड रिसर्च के लिए कंपेटिटर एनालिसिस और ये रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनानी है जिसमें 50 कैटेगरीज है और आपको 50 कैटेगरीज की कीवर्ड रिसर्च करनी है और कंपेटिटर एनालिसिस करना है, तो वो उसको देख के आपका टाइम बढ़ जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। सिंपल इस चीज़ पर डिपेंड करता है सर, हाउ मच कीवर्ड पेज इन यूज्ड। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कीवर्ड जो है ना वो उसको इस तरीके से देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैन लेदर ग्लव्स था, ठीक है? तो मैन लेदर ग्लव्स अभी एक कीवर्ड है, लेकिन जब हमने उसका टाइटल देखा था तो मैन लग्जरी लेदर ग्लव्स था, तो इसको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि आपका वो कीवर्ड कितना यूज़ होना चाहिए। हाँ, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन हैं, स्पॉट्स हैं, वहाँ पर आपका कीवर्ड लाजमी होना, मेन कीवर्ड लाजमी होना चाहिए, आपका यूआरएल में, आपके मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, H1 हेडिंग में, इमेज ऑल्ट में, जो आपका पैराग्राफ है, स्टार्टिंग पैराग्राफ है उसके अंदर होना चाहिए, आपके एंडिंग पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए, और आपकी जो H2 हेडिंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे उस कीवर्ड का, क्योंकि H1 में आप ऑलरेडी वो कीवर्ड इस्तेमाल कर चुके हैं, तो H2 हेडिंग के अंदर आप उससे मिलता जुलता कीवर्ड, जो उसका सिमेंटिक कीवर्ड होता है, वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। स्कीमा और मैपिंग इज सेम थिंग। हाँ, स्कीमा मैंने आपको बता दिया है, मैपिंग जनरली हम कहते हैं कि कीवर्ड मैपिंग हो, हमने कीवर्ड्स मैप करनी है। कीवर्ड मैपिंग क्या होती है, आपने 50 कीवर्ड्स फाइंड आउट किए, उन कीवर्ड्स में से आपने एनालाइज किया कि यार ये जो पहले 10 कीवर्ड हैं ये इस एक पेज को टारगेट करेंगे, अगले 20 कीवर्ड्स इस दूसरे पेज को टारगेट करेंगे, ये कीवर्ड मैपिंग है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, बहुत सारे स्कीमा टाइप्स हैं, हाउ वी कैन ऐड इन अ पेज। अगर आपके पास वेबसाइट है, वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है, उसमें आपके पास प्लगइन्स आते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और उसके साथ अगर आपके पास शॉपिफाई वेबसाइट है, उसमें भी बिल्ट इन स्कीमा आता है, लेकिन आप कोड में जाके जो स्कीमा वाला पार्ट होता है उसको एडिट कर सकते हैं। उसके साथ ब्लॉग एफिलिएट सर्विस वी कैन, इफ वी मेक सर्विस पेज फॉर स्पेसिफिक सिटीज सो वी कैन, एक मिनट इधर गया क्वेश्चन, इफ वी मेक पेज सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक सिटी सो वी कैन ऐड आउटलिंक्स फॉर अदर सिटी सर्विस। हाँ जी बिल्कुल, आप जब इसमें भी अगेन वो आ जाती है उसके ऊपर कंपेटिटर एनालिसिस वाली बात आ जाती है, कि जब आप एक पर्टिकुलर सिटी में जाएंगे, उस सिटी में जाके आप कीवर्ड का एनालिसिस करना शुरू करेंगे और आप सर्च को देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि यार ये तो एक सिटी थी, इस सिटी के अंदर तो और भी डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल एक SEO वर्क्स UK, ठीक है? अब ये आप अगर इस वेबसाइट को एनालाइज करें SEMrush में जाके, तो आपको नजर आएगा कि यार इन्होंने ना ये किस किस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं, और आप इसके अगर बॉटम पे आए, यहाँ पे इनकी डिफरेंट लोकेशन पेजेस बने हुए हैं, लंडन का बना हुआ है, शेफील्ड का, लीड्स का, ये UK की एजेंसी है, ठीक है, बर्मिंगम का, मैनचेस्टर का, इन पेजेस के क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। अगेन आप फॉर एग्जांपल लंदन के ऊपर आ जाते हैं, तो अब वो चीज़ें रिपीट होंगी। अब आपको मैंने सेशन में जितनी चीज़ें बता दी है ना, वो बेस है आपके लिए, ठीक है? आप जब भी किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर क्या है, उसका एक मेटा टाइटल है,
साथ उसका एक एक मेटा डिस्क्रिप्शन है, उसका यूआरएल है, उसके साथ आपके पास उसकी हेडिंग का तमाम का तमाम स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर उसके बाद आप नीचे आए पेज का कंटेंट आ जाता है तमाम, और इन्होंने मैप भी लगाया हुआ है लोकल, उस सिटी का मैप लगाया हुआ है जिस सिटी को ये रैंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर साथ ही इसी कीवर्ड इसी लैंडिंग पेज को उठा के आप एसईएम रश में डालें तो आपको नजर आएगा कि जो लंदन के एसईओ सर्विसेज के कीवर्ड है उसके लिए ये वेबसाइट रैंक कर रही होगी। फाइन, तो जी और किसी का क्वेश्चन है एफिलिएट ब्लॉग वेबसाइट के लिए लोग एटीडी करेंगे तो सर्च इंटेंट क्या होना चाहिए कमर्शियल या रेफरेंस? पर्सनली मैंने एफिलिएट वेबसाइट्स पे काम नहीं किया हुआ तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं दे सकता, लेकिन मैं जब डिफरेंट एक्सपर्ट्स को सुनता हूँ तो लोगों ने इसमें 80-20 टाइप रेशो रखी हुई होती है कि 80% आर्टिकल्स उनके ऑन इंफॉर्मेशनल टर्म्स होते हैं और 20% आर्टिकल्स जो होते हैं उनके वो ऑन कमर्शियल इंटेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया ना एफिलिएट का ब्लॉग, तो ब्लॉगिंग जो है वो हम लोग ई कॉमर्स में मिस कर देते हैं। हम ई कॉमर्स में क्या करते हैं, सिंपली कलेक्शन बना दी और साथ हमने प्रोडक्ट्स बना दी, बस खत्म, ठीक है, इसकी कीवर्ड रिसर्च कर ली, ब्लॉगिंग मिस कर देते हैं। तो आप जब भी अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे तो आपको उसके अंदर जाना चाहिए, ब्लॉगिंग वाले सेक्शन में लाजमी जाना चाहिए और तमाम इंफॉर्मेशन क्यूरीज को टारगेट करके आप उनको अपना वो बना लें, क्या कहते हैं, एक ब्लॉगिंग की एक स्ट्रेटजी बना लें। सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर सिमेंटिक एसईओ कोरे के फ्रेमवर्क पे रखें प्लीज? जी बिल्कुल, कोरे के ऊपर हम रखेंगे इंशाल्लाह। सर विच कॉमन थिंग्स कॉज द पेज स्पीड स्लो डाउन वर्डप्रेस में एक्सटेंशंस? वर्डप्रेस आपके पास जो आपका उसकी प्रॉपर कैशिंग नहीं हुई भी होती, ठीक है, आपके जो भी रिसोर्सेज आपके लोड हो रहे होते हैं, आपके एक्स्ट्रा कोड बहुत सारा लोड हो रहा होता है, इस चीज को आपने एनालाइज करना होता है, वो पेज टू पेज चीज मैटर कर रही होती है। इमेजेस आपका बहुत सारा टाइम ले रहे होते हैं और उसकी उसको हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। सर वन एग्जांपल फॉर एजेंसी वेबसाइट दिस टाइप ऑफ एजेंसी बेस्ट? तो ये मैंने आपके साथ एक एजेंसी की वेबसाइट शेयर की ना, एसईओ वर्क्स, ठीक है। अगर आप इस एजेंसी को जाके चेक करेंगे तो इसका जो होम पेज है वो रैंक कर रहा होगा नेशनल कीवर्ड, क्योंकि ये यूके की है, तो ये जो यूके बेस्ड इनके बड़े कीवर्ड हैं उसके साथ टारगेट कर रहा होगा। लेकिन अगर आप ये जो सर्विस पेजेस हैं एसईओ सर्विसेज लंदन और बाकी जो इनके पेजेस हैं उनको वन बाय वन आप एसईओ रश में जाके मैं चेक करवा देता हूँ आपको। आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, इसको पेस्ट करें और इसको एग्जैक्ट यूआरएल करके आप यहाँ पे एंटर करें तो ये आपको बता देगा कुछ। ओके, हमें इसका ना डोमेन ओवरव्यू चाहिए। ठीक है, तो ये अब आप देखें आपके पास जो इसकी ट्रैफिक शो हो रही है राइट नाउ फॉर यूके, इनके कीवर्ड्स शो हो रहे हैं और ये हम एग्जैक्ट के अंदर देख रहे हैं, हम खाली इस पेज को देख रहे हैं इस पेज के लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ से आप चले जाए उस पेज की डिटेल्स में और अब आपके सामने ये इसके तमाम कीवर्ड्स आ रहे हैं, एसईओ एजेंसी लंदन, एसईओ इन लंदन, एसईओ सर्विसेज लंदन, ठीक है। तो बहुत सारे वो तमाम कीवर्ड्स जो इनके सिर्फ लंदन वाले पेज के लिए थे, इस पेज के लिए थे, वो आपको नजर आ रहे हैं, जबकि ये वेबसाइट स्पेसिफिकली ऑल अक्रॉस द यूके रैंक कर रही है, खाली से एक जगह पे रैंक नहीं कर रही। कैन यू शेयर प्लीज सम ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज वेबसाइट्स इफ यू नो? नहीं यार, ग्राफिक डिजाइन पे मैंने कोई प्रॉपर काम नहीं किया, सॉरी। थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह। प्लीज एडिट योर स्ट्रक्चर, प्लीज क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ एफिलिएट वर्सेस ई-कॉमर्स साइट्स। ओके, देखें आपके पास जो एफिलिएट साइट है आप उसको किस तरह की आप एफिलिएट बनाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली हम अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट पाकिस्तान में बना रहे होते हैं और दूसरे एंड पे आपके पास है ई-कॉमर्स साइट है, ठीक है। तो ई-कॉमर्स में तो मैंने आपको बता दिया कि आपने जब भी उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो आपके पास है
कलेक्शन होम पेज है, देन आपके पास कलेक्शन पेजेस हैं, ठीक है। तो कलेक्शन पेजेस पे हम लोग रैंक करते हैं, हम ग्लव्स वाले पेज पे चले जाते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। और मैं इसको साथ, अभी आपके इस क्वेश्चन का आंसर है कि जो आपका ई कॉमर्स साइट का स्ट्रक्चर है और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। तो ये मेरा, मैंने कीवर्ड टारगेट करना था मैन लेदर ग्लव्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नई वेबसाइट बना रहा हूँ, तो इस एनालिसिस से मुझे पता चला कि मुझे मैन लेदर ग्लव्स टारगेट करने के लिए एक कलेक्शन बनानी पड़ेगी। उस कलेक्शन में 10 प्रोडक्ट्स आती हैं, 20 आती हैं, डोंट मैटर, बाद की बात है, ठीक है। तो मैंने एक कलेक्शन बना दी मैन लेदर ग्लव्स के ऊपर। अब क्योंकि उससे पहले मुझे डिफाइन करना होगा ना कि मुझे जो ग्लव्स में कितना डीप जाना है, मैंने खाली लेदर ग्लव्स ही सेल करने हैं या ग्लव्स सेल करने हैं, या मैं लेदर का बहुत बड़ा स्टोर बनाया हुआ है ऑलरेडी और उसमें मैं ग्लव्स की नई एडिशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यूँ कंसिडर कर रहा हूँ कि आप ग्लव्स के ऊपर, आप सिर्फ ग्लव्स के ऊपर काम कर रहे हैं और लेदर ग्लव्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एक माइक्रो निश स्टोर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब आपका क्या काम बनता है, मैन लेदर ग्लव्स, वुमेन लेदर ग्लव्स, ठीक है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे आए तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे, जो इस वेबसाइट के साथ ही हम इसके ना होम पेज को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको ना उसकी मेन जो कीवर्ड्स हैं, जो ट्रांजैक्शनल टाइप कीवर्ड्स हैं, वो आपने सारे के सारे कलेक्शन पेजेस पे टारगेट करने हैं। उसको आपने डायरेक्टली किसी उस पे, किसी ब्लॉग पे जाके टारगेट नहीं करना। और ये आपको पता कैसे चलेगा कि जब आप ऑलरेडी सर्फ एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि आप एक कीवर्ड लिखेंगे, उस कीवर्ड को गूगल में जाके देखेंगे कि ऑलरेडी क्या रैंक हो रहा है, वहाँ पे कोई ब्लॉग्स आ रहे हैं बड़े बड़े से, या इस तरह की ई कॉमर्स साइट्स आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके साथ ही मैंने आपके यहाँ पे बताया कि अब इनकी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। अब आपकी कलेक्शन थी मैन लेदर ग्लव्स, लेकिन उसका प्रोडक्ट है डेल्टा, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम ही डेल्टा है, उसमें मजीद उसमें कुछ और उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ डायरेक्टली। तो आपने भी इसी तरह की अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि जब फिर आप जो उसकी प्रोडक्ट्स लिखेंगे आगे, प्रोडक्ट्स मेंशन करेंगे, उसमें भी आपने वो कीवर्ड दोबारा से यूज नहीं करना, वो आपने एक बार अपने कैटेगरी पेज के ऊपर टारगेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सॉरी ये कौन ड्राइंग है बना रहा है भाई, ओके। तो ये आपका हो गया यार, ये प्लीज डिलीट करें। स्क्रीन स्टॉप करें अपनी, फिर दोबारा शुरू। वजी 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 बैक टू मीटिंग, जी आपके पार्टिसिपेंट्स म्यूट हैं सारे? हाँ जी सब म्यूट हैं। दोबारा शेयर करें, स्क्रीन हो जाएगा क्लियर। ओके, व्हाइट बोर्ड आपसे कहीं गलती से प्रेस हो गया किसी ने भाई, इन क्या कहते हैं इसको? नहीं, ये तो मैंने ओपन किया है ना व्हाइट बोर्ड, ताकि दूसरे लैपटॉप से ओपन किया ताकि वो स्क्रीन मेरी हाइड हो जाए। नहीं तो उसको आप बस स्क्रीन स्टॉप करें, दोबारा शेयर करें, इजी है। हाँ वो तो मैं अब यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूँ ना। चले, मैंने वो व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन ऑफ कर दिया, कोई नहीं कर सकता, आप कंटिन्यू करें। चलो थैंक यू, ठीक है। तो हम वापस चले जाते हैं इधर, कहाँ पर थे, खैर ठीक है। तो यहाँ से आपका ना ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, लेकिन जब आप आते हैं इसके ऊपर अपनी एफिलिएट साइट के ऊपर, तो एफिलिएट साइट में आप जो भी निश फॉर एग्जाम्पल चूज करते हैं, ठीक है, उस निश के एनालिसिस से आपको समझ आएगी कि आपने उसमें मेनली क्या होता है कि आपके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हैं और दूसरे एंड पे आपके ट्रांजैक्शनल या जो मनी कीवर्ड हैं जिनको आप रैंक कर रहे होते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, हम कोई एक एफिलिएट टाइप का कीवर्ड चूज कर लेते हैं, बेस्ट 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 बेस्ट, क्या लिखें, ईयरफोन ईयरबड्स, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ, दी वर्ज है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, इधर से आप डायरेक्टली वो एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से अब आपने देखना है कि आपकी आपके पास डायरेक्टली जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, CNN, CNN, टेक रडर भी बहुत बड़ी वेबसाइट है,
छोटी मोटी वेबसाइट हम देखना चाहते हैं, पीसी मैग अगेन, गुड हाउस कीपिंग, ये कोई छोटी वेबसाइट नहीं, ये भी कोई बड़ी सी वेबसाइट ही लग रही है। खैर, तो हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपली अपना जो आप चीज कवर करना चाह रहे हैं, अगर आप ई कॉमर्स, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपका कीवर्ड था ईयरबड्स, ठीक है, तो आपने टॉप आपने पूरा पेज बना दिया जिसमें आपका जो ईयरबड्स हैं वो आपने कवर अप कर लिए, उसमें अमेजोन के तमाम लिंक्स वगैरह लगा दिए, लेकिन उनके ऊपर आप एक तो आप उनको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा, जो आपने फाइव फॉर एग्जाम्पल आइटम्स चूज करते हैं या 10 आइटम्स चूज करते हैं जिसका आप रिव्यू बेसिकली देखते हैं। मैं एक मिनट बैक पे आता हूँ, टॉप पे जाते हैं, टॉप पे डिवर्ज बेस्ट ईयर वायरलेस ईयरबड्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बॉटम पे आए तो ये आपके पास तमाम के तमाम, एक मिनट, तो ये तमाम आपके पास पेजेस हैं जो इसने कवर किए हुए हैं। ईयरबड्स जो हैं हम सिंपली एक ईयरबड को पिक कर लेते हैं, ठीक है, कि अब हमने ईयरबड्स पिक कर लिए, आगे उसके यूजेस के ऊपर हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे तमाम की तमाम, और उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हमारी कीवर्ड रिसर्च और वो तमाम स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा होगा। अगर आप होम वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम सब फोल्डर्स के अंदर उसको लेकर जाएं। आपके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए होम पेज स्लैश, आगे सीधा सीधा उसका, जैसे इन्होंने यहाँ पे इनकी क्योंकि वेबसाइट बहुत बड़ी है, इन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटेजी रखी हुई है, तो बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स है, उसके अंदर ये देखें ये क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, उसकी तमाम डिटेल्स को फाइंड आउट करें, और तमाम उन्होंने जो उसके फैक्टर्स हैं जिस बेस के ऊपर एक अच्छा ईयरबड है उसके एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद उन्होंने तमाम उसके यूजेज के मुताबिक या डिफरेंट उसके सिनेरियोज के मुताबिक पेजेस बिल्ड आउट किए और उसको यहाँ से इंटरनल लिंक किया हुआ है, तो ये आपका एक मेन पिलर पेज टाइप चीज बन जाएगी कि जो आपका मेन पेज होगा, उसके साथ फिर आपके बाकी तमाम पेजेस एक्सटर्नली लिंक कर रहे होंगे और वन बाय वन तमाम हेडफोन्स की डिटेल्स इन्होंने वो लिंक्स लगाए हुए और वो तमाम चीज़ें की हुई हैं। तो जब आप फिर आपकी इसमें कंफ्यूजन ही रह जाएगी, अब आपने अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो आपको नजर आएगा कि यार डायरेक्टली अपनी कीवर्ड रिसर्च से आपको रिजल्ट्स ई कॉमर्स के नजर आएंगे और वहां से आप उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेकिन अगर आप जाना है अमेजोन में चाहते हैं एफिलिएट साइट पर जाना चाहते हैं तो वहीं पे आप अपनी पहले एक माइक्रो निश सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि आपकी नेक्स्ट कीवर्ड रिसर्च किस तरह की होनी चाहिए, लेकिन जो मेन आपकी वो होती है स्ट्रेटजी 80-20 टाइप होती है। नहीं, जरूरी नहीं है कि आप वहाँ के लोकल पर्सन हो, लोकल पर्सन आपको सिंपली एड्रेस चाहिए होता है अगर आप वहाँ पे हायर करना चाह रहे हैं, अगर आप बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं गूगल की, वो भी अगर आपको कोई वहाँ पे हेल्प कर दे उसकी वेरिफिकेशन में, बाद का तो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन मांग देता है सर। फोर मिनट्स में चैट्स क्लोज होगी, ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल, आप बेशक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप ग्राफिक डिजाइन की बेस के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं कि ग्राफिक सर्विसेज सिंपली लिखें और आगे उसकी बेस के ऊपर आप सिटीज चेंज करते जाएं और उसके अंदर आपके पास नजर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्राफिक सर्विसेज NYC अगेन, ठीक है, आपको वेबसाइट नजर आएंगी, ठीक है, ग्राफिक सर्विसेज NYC, आप इसको एक्सप्लोर करें, फिर उसके बाद आप अपना कीवर्ड चेंज कर दें, कोई और सिटी पकड़ लें, उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको एक्सप्लोर करें, इस तरीके से आपके पास खुद एक लिस्ट बन जाएगी कि आपने किन किन सिटीज को टारगेट करना और क्या पेज होना चाहिए, किस तरीके का डिजाइन होना चाहिए। अलग अलग वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, अगर हम वजी आ रही फिर यार, ओके भाई जी, चैट्स मैंने वो मैंने क्लोज कर दी है। जी ठीक है, आप ऐसा करें कि बस वाइंड अप करें आप सेशन, ठीक है, मेरे ख्याल से स्क्रीन स्टॉप कर देना, स्क्रीन स्टॉप कर दें,
कोई भी वो हो ना, क्वेश्चन हो तो वो कर दे, टेक्स्ट कर दे या कहीं पे मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दे, जिस तरीके से भी उसने फॉर एग्जाम्पल उस चीज़ को करना है। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से सेशन को लीव कर देता हूँ लेफ्ट, और इसको इस तरीके से आते हैं, व्यू को चेंज करते हैं, गैलरी व्यू जाते हैं, चैनल पर कट है। ओके जी एवरीवन, फिर इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।